Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine and I hope aap sab theek thaak hain aur Eid badi achhi guzar rahi hai aapki. Suno Chanda, Ish Jalebi aur aajkal hai trending pe har hafte. In fact, din mein do dafa chupke chupke. To phir unki writer se milna aur baat karna to phir banta tha. To aaj hamare saath studio mein hai Saima aur hum unse kuch baat cheet karenge, kuch maze ke sawalat aur kuch maze ki kahaniyan sunenge in sari serials ke piche. Assalamu alaikum Saima, kaisi hain aap? Main bilkul theek hu Rabia, aap kaisi hain? Eid Mubarak aapko. आपको भी ईद मुबारक. क्या हाल चाल है आपको? क्या क्या फील क्या हो रहा है? मैं कल जब मैं सोच रही थी कि मैं आपसे इंटरव्यू करने जा रही हूँ तो मैंने कहा यार कैसा फील होता है पहले सुनो चंदा की क्रेजी पागलों वाली फैन फॉलोइंग और अब चुपके चुपके एंड जलेबी दोनों दे आर डूइंग सो वेल. हाउ डज इट फील? कैसा फील होता है आपको? रबिया, टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी ये नहीं थी, मुझे अपने दोनों सीरियल से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. मुझे लगता था कि जो सुनो चंदा की ये क्रेजी फैन फॉलोइंग है वो इसको नहीं करेगी, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी. लेकिन जैसे ही चुपके चुपके ऑन एयर हुआ, उससे पहले इश्क जलेबी दोनों ही, बल्कि एट अ टाइम दोनों ही साथ साथ थे दोनों, और इश्क जलेबी की रेटिंग्स आना शुरू हो गई तो थोड़ा समय वो हो रही थी कि चुपके चुपके जो है वो रेटिंग में थोड़ा उससे नीचे था उस शुरू में. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ड्रामा जो है वो ऑन एयर होना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर बड़ा बस सा क्रिएट होना शुरू हो गया. सुनो चंदा के जो फैंस थे उनको थोड़ा मैंने कन्वेंस भी किया इंस्टा पे, कोई मेरा ख्याल है 300 या 400 ग्रुप्स हैं जिसमें उन लोगों ने मुझे ऐड किया हुआ है. ओह गॉड, सीरियसली? अभी तक जिया अरसल की जो फैन फॉलोइंग है वो एज इट इज़ है. वाओ, तो वो होता ये था कि जब भी दोनों मेरे सीरियल्स ऑन एयर होने वाले थे, मैं इनकी चीज़ें जो थी अपने इंस्टा के ग्रुप के ऊपर, सॉरी इस पर अपने प्रोफाइल में जब शेयर करती थी तो उसके नीचे लोग मुझे आके बाकायदा क्या कहूँ कि बदवाएँ दिया करते थे. Oh my goodness, seriously? मुझे कहते थे कि अल्लाह करे आपका चुपके चुपके फ्लॉप हो जाए, अल्लाह करे आपका इश्क जलेबी फ्लॉप हो जाए, आपको अंदाजा हो कि आपको सुनो चंदा सीजन 3 जो है वो लिखना चाहिए. आप यकीन करेंगे कि राबिया, एक दफ़ा तो मैंने कुछ ग्रुप्स में जाके बाकायदा उन लोगों को कन्विंस किया, मैंने उनको बताया, मैंने उनके टीजर्स शेयर किए चुपके चुपके के इश्क जलेबी के, और थोड़ा सा फिर मैंने उनको बताया कि मे बी हम सीजन 3 के ऊपर जो है काम वो कर काम करें ना, थोड़ा उनको कूल किया. तो आपने उनको एक थोड़ा सा लालच दिया कि भाई थोड़ा सा तुम लोग खामोशी से इसको तो चांस दो. हाँ, ना इसको तो चांस. अच्छा. दो. लेकिन फिर जैसे जैसे ऑन एयर होनी शुरू हुई चीज़ें, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पॉजिटिव जो थी वो फिर मुझे रिस्पांस मिलना शुरू हो गया कि अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक चुपके चुपके का और सेकंड जो है वो सुनो चंदा का. अब वो लोग कहते हैं कि सीजन 3 आना चाहिए, ये लोग कहते हैं कि सीजन 2 आना चाहिए. अब आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं. अब वो उनकी आपस में हो रही हैं, बल्कि एक मेरा ख्याल है वोटिंग भी हुई है कुछ दिन पहले किसी पेज पे, तो वो सुनो चंदा के लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ जो है वो धांधली हुई है उनके साथ. तो वैसे मैं अगर बताऊं, बींग अ राइटर मुझे यूँ लगता है कि हमें नई चीज़ें जो होती हैं ना वो एक्सप्लोर करनी चाहिए. नई चीज़ों में ज़्यादा मार्जिन होता है. सीजन्स लिखने बहुत मुश्किल हैं, आप उनको कैरी करना होता है जो आपके कैरेक्टर्स बन चुके हैं. एक ऐसी स्टोरी जो होती है जो हुक कर सके अपने ऑडियंस को, तो वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है. लेकिन देखें क्या डिसाइड होता है, सीजन 2 आता है, सीजन 3 आता है, ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर. बिल्कुल, तो आपके हाथ से ज़्यादा आई थिंक प्रोडक्शन हाउस पे है कि वो इनिशिएटिव लें तो फिर आप लिखेंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल राबिया, चीज़ें मैं बल्कि क्लियर करना चाहती हूँ कि वो तमाम व्यूवर्स जो हैं, जो फैंस हैं सुनो चंदा के या चुपके चुपके के, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती. ये लोग राइटर्स को कहते हैं, डायरेक्टर्स को कहते हैं. इवन देन के नादिया अफगन परसों बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे कि देखें सायमा, मुझे लोग बहुत बार बार कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रही सीज़न 3. तो वो उनके हाथ में नहीं है, ना नादिया अफगन के हाथ में है, ना मेरे, ना एहसन भाई के, ना डायरेक्टर के, ना इकरा फरहान के. जिस तीन प्रोडक्शन हाउस जो है वो डिसाइड कर लेगा कि हमें सीजन 3 बनाना है सुनो चंदा का, या चुपके चुपके का सीजन 2 बनाना है, या इश्क जलेबी का सीजन 2 बनाना है, हम तो हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे. हम लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल सही. तो अगर आप लोगों ने कोई डिमांड्स करनी है तो आप सही लोगों के पास जाए ना. हाँ, तो आप लोग जाके प्रोडक्शन हाउस के सामने धरना डालें और आप लोग वहाँ बात करें. हमारे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट और हमारे राइटर्स को थोड़ा सा स्ट्रेस देना कम करें. वैसे मैं भी उनके साथ ही शामिल, मुझे भी सुनो चंदा 3 चाहिए. जी जी बिल्कुल, मैंने आपका एक देखा था इंटरव्यू जिसमें आप एहसन भाई से कह रही थी बात, तो उस वक्त तक था, डिसाइड किया था हमने कि उन्होंने करेंगे. कहा था इनफैक्ट, जब एहसन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 3 आएगा, बट आई थिंक बीच में
कोविड आ गया और इतनी चीज़ें चेंज हो गई कि वो फिर प्लान्स थोड़े से जो भी फिर थे। थोड़ा सा ये होता है कि चीज़ें बाज़ औक़ात हमें इतनी जो ईजी लग रही होती है ना वो उतनी ईजी होती नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि सब जानते हैं कि एसन भाई आजकल काम कर रहे हैं, जियो के साथ काम कर रहे हैं, ये जो सीरियल है सुनो चंदा ये हम टीवी का एमडी प्रोडक्शन का है, तो वो भी एक थोड़ा सा वो भी एक थोड़ा सा वहाँ इशू सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दरमियान में इकरा काफ़ी ज़्यादा बिजी थी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके, और अब तो और भी बिजी होने वाली है, अब तो वो माशाल्लाह और भी बिजी होने वाली है। अच्छे अच्छे उसमें, हाँ अच्छे उसमें, तो होपफुली देखते हैं कि क्या होता है। सुनो चंदा सीजन 3 आता है, चुपके चुपके आता है, या हो सकता है कोई एक नई अच्छी चीज़ आए ना। बिल्कुल, क्योंकि मेरे जहन में एक और भी बड़ी खूबसूरत सी एक स्टोरी है जिसपे मैं लिखना चाह रही हूँ, लेकिन अब वो कहाँ पे ऑन एयर होगी ये मैं अभी डिसाइड नहीं किया। बट वो ईद के लिए रखेंगे आप, रमजान ट्रांसमिशन के लिए रखेंगे अगले साल, या उससे पहले भी हम उससे पहले भी एक ड्रामा मेरा आएगा हम टीवी से, वो बड़ा मजे का है, इमोशनल है, थोड़ा सा हंसी मजाक से दूर है। नहीं, हंसी मजाक से दूर नहीं है। अच्छा, है, तो अच्छा, दोनों, ओके, दोनों चीजें है ना, कोई एक जैसे राइटर का की अपनी एक डोमेन होती है ना, उसी तरीके से मुझे मजा आता है लाइट मूड की चीजें लिखने में, तो वो उसमें ज्यादा कम्फर्टेबल होती हूँ, तो मैं उस टाइप का ही एक सीरियल है वो आएगा। तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है उसकी? उसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद के बाद, ओके ओके। अच्छा जी, चलिए हम आते हैं थोड़ा सा आपकी जो तीन हिट, एक तो हिट पुराना है और दो रीसेंट जो हिट्स हैं, चुपके चुपके से स्टार्ट करते हैं। पिछले साल इसको आपने किया था, लिखा था, तो शूटिंग भी पिछले साल हुई थी, क्या हुआ था? एक्चुअली लास्ट ईयर मैं लिख रही थी, साथ साथ ही शूट हो रहा था, लेकिन बीच में जाहिर है कि पूरी दुनिया के हालात जो है वो बदल गए, लॉकडाउन लग गया, तो कोविड की वजह से, कोविड की वजह से इसको रोक दिया गया, तो फिर वो नहीं ऑन एयर, हाँ ऑन एयर नहीं हो सका। फिर ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, शूटिंग्स नहीं हो रही थी। मैंने 19 एपिसोड्स लिखी थी उस टाइम पर, और मेरा ख्याल 10th या 11th रहती थी, तो फिर इसको रोक दिया गया। फिर थोड़ा सा मैंने भी एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं एक उसमें नहीं थी, उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, लाइट मूड की चीज़ें लिखी नहीं जा रही थी, लॉकडाउन में लगता था दिमाग को भी लॉक लग गया, तो उसको छोड़ के फिर मैंने बीच में अपना एक सीरियल था जियो का, जब्त के नाम से, उसको कंटिन्यू किया। अच्छा। क्योंकि बहुत सीरियस चीज़ थी वो, ईज़िली मैंने इसको लिख लिया। तो जब ये डिसाइड हो गया कि इस साल ये नहीं आएगा, तो उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर फिर जब इन लोगों ने प्लान किया, फिर मैंने नेक्स्ट एपिसोड्स लिखी, लेकिन काफ़ी चीज़ें शूट हो चुकी थी, और शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसमें स्टार्ट में आयजा की जगह पे सहाय थी, तो सहाय का कुछ काम इसमें शूट हो चुका था। ओके, तो उनकी वजह से क्योंकि वो शायद फिर प्रेम गली में बिजी हो गई कुछ, तो दोबारा से जब इसको रीस्टार्ट किया तो फिर सारे सीन्स जो थे वो दोबारा से हुए। तो वो मैं सोची थी बड़ा मुश्किल होगा, बहुत लंबा गैप है, उसको उसी कंटिन्यूटी से करना, आपके लिए इवन आपके लिए लिखना क्या चैलेंज था कि आपने उसको जहाँ से छोड़ा वहीं से दोबारा किया इतने लंबे अरसे के बाद? वो रबिया ये हुआ कि हम लोगों ने फिर कुछ डिस्कशन स्टार्ट की, मैंने और सायरा ने मिलके दोबारा से उन चीज़ों पे आए। फिर आपको जब भी वो तो एक लंबा अरसा था, लेकिन जब भी हम कोई नई एपिसोड लिखते हैं तो उस फील्ड में जाने के लिए मैं लास्ट वाली जो 2-3 एपिसोड्स होती हैं उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये 18-19 जो थी ये इनको मैंने दोबारा से पढ़ा, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ कैरेक्टर्स जो थे उनके ऊपर थोड़ा काम किया और ज़्यादा। ओके। तो फिर उसको वहीं से जो है दोबारा से। बट चुपके चुपके का ख्याल आपको कैसा आया? प्रोडक्शन हाउस ने आपको अप्रोच किया कि इस साल आप हमें सुनो चंदा की जगह ये दें, आपका इनिशिएटिव था, हाउ डिड इट गो? एक्चुअली एमडी प्रोडक्शन ने क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद रमज़ान से जो स्टार्ट किए थे, तो उनको लगता था कि सुनो चंदा के बाद कोई एक और अच्छी मज़े की चीज़ आनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ हो जिसमें सुनो चंदा की चीज़ें ना हो, वो थोड़ा डिफरेंट हो उससे, तो इसलिए चुपके चुपके की कहानी जो थी वो हमने एक बनाई, मेन उसका जो था लाइन डिसाइड हो गई, फिर उसके कैरेक्टर्स बनाए, फिर पहले जो था ये अस्मा अब्बास वाला जो पंजाबी वाला पोर्शन था वो नहीं था। अच्छा। जो स्ट्राइकी वाला था वो नहीं था, लेकिन मुझे वो फिर जब मैं लिख रही थी तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, फिर जब मैंने थोड़ा सा उनको बताया कि मुझे चीज़ों को वैसे करने दें जैसे मैं करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने जब खुल के लिखने के मुझे दे दी, परमिशन दे दी, फिर मैंने ये दोनों जो थी दादियाँ जो थी ये इनकी, फिर उसको दोबारा से लिखा। मैं एक्चुअली राइटिंग के मामले में थोड़ी सी बहुत थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी मेंटल हूँ, मुझे अगर आप 18 एपिसोड पे जाके एहसास होगा ना कि मेरी
टू या थ्री एपिसोड को मैं अगर दोबारा से रीराइट करूँ तो वो ज़्यादा मज़े की निकलेगी, तो मैं वहीं से काम दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे बाज़ अवकात प्रोडक्शन हाउस वाले मना भी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं अच्छा है, आप क्यों जा रही हैं पीछे, लेकिन मुझे जब तक खुद मज़ा नहीं आता तो मैं चीज़ें नहीं करती। तो इसी तरीके से फिर चुपके चुपके की कहानी जो थी वो डिसाइड हुई, मैं इकरा से थोड़ा डिफरेंट रखना चाह रही थी, मीनू को, मनीहा को, जिया से थोड़ा वो डिफरेंट हो। जिया तो बड़ी एम्बिशियस थी और स्टडीज़ में उसका बड़ा एक वो था जिसके लिए बाकायदा फाइट की, तो एक उससे बिल्कुल डिफरेंट वो लाना चाह रही थी कि लोगों को उसके अंदर जिया नजर ना आए। तो वो आयजा ने माशाल्लाह इतना प्यारा किया, इतनी एनर्जी है उनके अंदर। तो ये चुपके चुपके ड्रामा सीरियल जो है, इसके पहले जो कैरेक्टर्स बनाए गए थे उसके बाद फिर हमने स्टोरी जो थी वो डिसाइड की थी कि हमें स्टोरी इस तरह से हमने इसको खेलना है इसके साथ। ये बताएं, दो दादियाँ हों, दो ये हों, इसका ख्याल कहाँ से है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, क्या था जो क्लिक किया आपके बैठे बैठे एक दिन दिमाग में, किस चीज़ ने ये दिमाग में आइडिया डाला? एक्चुअली ये था कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था इस सीरियल के लिए, कोई ऐसा जिस पे मैं पूरी 30 एपिसोड्स के साथ उसको उसके साथ खेल सकूँ ना। बट कॉन्फ्लिक्ट तो मीनू और फाजी में भी बहुत है, तो वो दादियों वाली बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए डालना जरूरी थी, जालिम समाज डालना चाह रही थी। असल वैसे दादियां जालिम समाज नहीं है, अभी जब मीनू की गुलापा है, गुलापा थोड़ा सा है, लेकिन गुलाबा की भी इसके पीछे एक साइकी है कि वो जब शादी के बाद गई अपने ससुराल में गई, वहाँ पे उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर चीज़ें थी। और थोड़ा मैंने ये देखा है कि जिनका एक आध भाई होता है ना, वो बहनें थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें थी। तो मैं एक एज ए ह्यूमन उनको थोड़ा सा मार्जिन देती हूँ उस चीज़ के लिए। और दूसरा ये कि अगर आप पूरे सीरियल के अंदर एक जैसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स रखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना, कोई थोड़ा सा धमाल तो डालने के लिए कोई एक दो कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो गुलापा जो थी वो वहाँ से बनी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंसेस ने ये सवाल किया कि गुलापा क्यों है ऐसी, इतना तंग क्यों कर रही है फाजी को, वो इतना क्यों, इतनी सख्त दिल क्यों है, और वो हर चीज़ में मसला क्यों डाल रही है, और फाजी को इतना डोमिनेट क्यों किया हुआ है उन्होंने गुलापा ने। वो इसलिए कि गुलापा को ये लगता है कि हम सिर्फ तीन बहनें हैं, हमारा एक भाई है, जो घर है वो इनके पेरेंट्स ने इनके भाई के नाम लगा दिया था, तो उनको ये लगता है कि उनका जो हस्बैंड है वो फिनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, दूसरा वो काम करने के लिए राजी नहीं होते, खैर से बहुत ज़्यादा हड़ हराम किस्म के वाकया हुए हैं मस्किन सा, तो उन्हें लगता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो हो जाएगा, वो खुद को इनसिक्योर फील करती हैं, इस वजह से वो डोमिनेट हैं अपनी तीनों बहन भाइयों के साथ। और लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा, थोड़ा आपा को रिलाइज जैसे कि हो चुका है अब तक, जैसे बच्चे जवान होते जा रहे हैं, हो रहे हैं और बगावत होती है, और थोड़ी सी एक कमी जो थी इनके अंदर, गुलापा के अंदर, कि उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको एक गुड न्यूज़ जो है वो मिल गई। और ओके, सारा वो फैक्टर्स थे जिन्होंने गुलापा को ऐसा बना दिया, बिल्कुल ऐसे। आई होप अब आप लोग को कन्विंस हो गए हो कि गुलापा ऐसी क्यों थी, अब एक लॉजिक मिल गया। ये बताएं, फाजी का कैरेक्टर, उसकी कोई इंस्पिरेशन थी, वो कैसे दिमाग में आया? बिकॉज फाजी का कैरेक्टर बड़े मज़े का है, मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा उसको बैलेंस किया है, कि जैसा आपने बोला कि वो अकलौता भाई है तीन बहनों का, लेकिन वो बिल्कुल उनकी नीचे लगावा भी नहीं है, लेकिन लगावा भी है, यू नो, कि वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर भी है बहनों का, वो बात भी सुन लेता है, उनकी बातों में आ भी जाता है, लेकिन जहाँ उसको करनी होती है वो कहीं कहीं अपनी कर भी लेता है, जैसे उसने मीनू के लिए स्टैंड लिया था जब गुलापा उसको निकालना चाह रही थी एंड एवरीथिंग, यू नो। तो ये बैलेंस कैसे किया आपने, और फाजी जो है वो उस पर उसकी बहनें इतनी, वो मैंने वैसा मर्द नहीं रखा कि जिसको घर की खवातीन चला रही हों, वो एक ऐसा है कि जो मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाता है, जो बहनों की चीज़ें, जब उसको ये एहसास होता है कि हमारे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, तो वो एहतरामन चुप कर जाता है, अदरवाइज़ वो इतना दबने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ पे उसको लगा मीनू के लिए उसको लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, वो ले रहा है, और आगे भी वो ले रहा है, और एंड तक तो वो फिर वो माशाल्लाह खुल के सामने आ गया है, तो इसलिए जो है वो एक दबा हुआ कैरेक्टर नहीं है, मेरा हीरो जो है वो है बिल्कुल उसके अंदर हीरो वाली सारी चीज़ें। लेकिन वो जब शादी हुई थी तब तो वो भाग भाग के बिस्तर के नीचे छुप रहा हुआ था, आपका हीरो दबा हुआ, तब तो बेचारी की हालत ख़राब। और मैं सोची थी उस्मान खालिद भट्ट ने जो जंप्स लगाई हैं वो एक जगह वो बेड के ऊपर पूरा वो करके, और बड़े मज़े का सीन था वो। वो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मज़े की जो चीज़ें करवा रहे हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं दानिश साहब, जिनके अंदर है खुद एक बड़ा
शरारती सा बच्चा छुपा हुआ है, और आपको पता है कि इंटेलिजेंट जो डायरेक्टर होता है वो अपनी जितनी कास्ट होती है उनकी अंदर की चीज़ों को निकाल लेता है। बिल्कुल। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सीन्स जो होते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो दानिश भाई खुद डाल रहे होते हैं, अच्छा। मैं उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ। हमसे शेयर कर सकती किसी में उन्हें कुछ काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें उन्होंने दानिश भाई का आउटपुट जो है वो उसमें नज़र आ रहा होता है, जहाँ उनको लगता है कि कोई चीज़ सीरियस होने वाली है वहाँ पर उसको लाइट कर देते हैं। अच्छा। जैसे अभी एक सीन था, मैं देख रही थी कि आदि खान जो है वलीद क्रिकेट का मैच देख रहा है, तो उसकी दादी आती हैं फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, तो उनको गुस्सा आता है तो उनको टांग थोड़ी सी मारती है ना अपने पोते को वो करके, वो उन्होंने खुद की है। जहाँ पे छलांगे मार रहा है जो है फाजी, वो सारी दानिश भाई के वो काम है। बाज़ औक़ात दानिश भाई बड़े मज़े के जुमले भी ऐड कर देती हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी बात यह कि स्क्रिप्ट से नहीं हटते। वो कुछ भी जो करते हैं, कोई चीज़ करते हैं तो उसकी परमिशन ले लेते हैं, राइटर से भी प्रोडक्शन हाउस से भी बता देते हैं, बॉस मैं ये करने जा रहा हूँ, अच्छा, या करके बता देते हैं कि अगर आपको नहीं कर लिया ये, हाँ ये कर लिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम इसको निकाल देंगे। हाँ। तो इस लिहाज से फिर मैं बहुत खुश हूँ दानिश भाई से कि उन्होंने जो मेरे दिमाग के अंदर था, हाँ। जो मैं चुपके चुपके को जैसा दिखना चाह रही थी, दो फैमिलीज और इतनी ज्यादा कास्ट को लेके चलना, ये एक डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर ही उसको कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो आयजा के अंदर की एक शोख और चंचल लड़की को निकाला है, अल्लड़ हसीना निकाली है, अल्लड़ हसीना निकाली है। लोग बहुत कहते रहे कि इसके लिए कोई बिल्कुल कोई नई लड़की लेके आते या कोई यंग सी होती है 18-19 ईयर्स की, तो वो कभी भी संभाल नहीं सकती थी। एक सीनियर राइट जो होता है, एक्टर जो होता है, वो स्क्रीन के ऊपर उन्होंने पूरी अपनी तरफ बिल्कुल कर ली है, अट्रैक्ट किया हुआ, खींचा हुआ, पकड़ा हुआ, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आयजा से अच्छा मुझे लगता है कि ये कर नहीं सकता था, और दानिश नवाज से अच्छा जो है उसको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता था। और मुझे एक बात बताएं, अच्छा हम फाजी की इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे और आप हमें मुझे ऑफ कैमरा आपने कोई कहानी सुनाई थी, तो कौन है भाई फाजी की जो थी ये कहानी? स्टार्ट हो गई थी सुनो चंदा के दौर से, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया ना, तो जो मेरे कॉन्टेंट हेड थे जो सीज़न 2 जिन्होंने करवाया, शहजाद जावेद जो थे, वो माशाल्लाह से 3 बहनों के भाई हैं। तो मैं जब भी काम कर रही होती थी तो मैं शहजाद को कहती थी कि शहजाद भाई मैं आपके लिए ना, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही ना, 3 साल हो गए मुझे इनके साथ काम करते हुए। तो हमेशा ये सुनती थी कि अच्छा अभी एक प्रपोजल आया हुआ है, अभी फलान लोग जो हैं वो देख के चले गए हैं, ये रिश्ता है या ये है, अब ये इस वजह से ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें जो थी ना मेरे दिमाग के अंदर चलती थी। तो एक दिन मैंने बड़े मज़े से इनको कहा कि कोई किसी बात पर ना सुनो चंदा के दौरान ही हमारी थोड़ी सी हो गई, झड़प सी हो गई, मैंने कहा मैं आपसे ना इंतकाम लूँगी, देखिए। अच्छा, ये तो बड़ा स्वीट रेंज। हाँ, तो वो जो है, बल्कि एक मीटिंग में जब मैं हम टीवी पे थी तो मुझसे यही सेम क्वेश्चन जो था, मैं बता रही थी मैं उना से दिखी को अपनी स्टोरी के बारे में, तो मैंने बैठे हुए थे शहजाद साहब भी, तो मैंने कहा ये भाई आपका कैरेक्टर जो है ना फादी की सूरत में आ रहा है। अच्छा। तो वो बड़ा हंसे, लेकिन खैर उनकी घर ये सिचुएशन तो नहीं है, बहनें उनकी छोटी हैं या इस तरह से वो नहीं कर रही, लेकिन आपको एक मिलती है ना एक इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो मुझे उनको देख के मिली कि अभी तक खैर अभी भी उनकी शादी नहीं हुई, अल्लाह करे आगे वो हो जाए। तो ये उनकी तरफ देख के मुझे आया था कि इस तरह से भी जो है वो हम इनको कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई कैरेक्टर ऐसा हो। हाँ, कोई ऐसा फेस हो रहा हो। और तो दूसरा मैं ये भी बताना चाह रही थी कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में या इंडिया में भी लड़कियों की शादी हमेशा मसला बनी हुई होती है ना, लड़कियों के प्रपोजल्स आ रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, घर में यही टेंशन चल रही होती है। तो फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि किसी ने ये स्क्रीन पर दिखाया है कि लड़कों की शादियाँ भी बहुत बड़ा मसला है, विच इज़ ट्रू, बहुत बड़ा, ये आपने सही बात कही है, बहुत बड़ा मसला है। मेरे खुद अपने भाई की जब शादी हुई है तो हमने फेस किया उस चीज़ को जो है, तो ये हादी और फाजी जो है वो उसने उन्होंने कहा भी है कि लोगों के घरों में बेटियों के रिश्ते नहीं होते, हमारे यहाँ लड़कों के नहीं हो रहे, हालांकि माशाल्लाह दोनों वेल एजुकेटेड हैं, सेटल्ड हैं, उसके बावजूद नहीं हो पा रहे। तो मसला जो है वो सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का भी होता है। तो मैं ये चीज़ जो थी ये दिखाना चाह रही थी अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उसको अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक हम लोग उसमें कामयाब हो गए। जो मीनू का कैरेक्टर है, जो पूरी उसकी कैरेक्टराइजेशन है, दबे वो जिस तरीके से ड्रेसअप हुई हुई है, सब कुछ, वो आपका क्रिएशन थी, वो आयजा की क्रिएशन थी, या वो डायरेक्टर जो है दानिश नवाज साहब, उन्होंने इसको ऐसे किया है, या आपने जब लिखा था तभी आपने उसकी ड्रेसिंग को ऐसे लिखा हुआ था कि वो इस तरह के कपड़े पहनेगी, उसके बाल इस तरह के होंगे, एक आपने उसका कैरेक्टर तो बनाया हुआ था ना? एक्चुअली जब हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, कैरेक्टर स्केच में वो सारा वो लिख देते हैं, जब उनको ये पता चल गया था कि मीनू जो है वो यूनिवर्सिटी जाती है तो एक गर्लिश लुक जो है वो चाहिए, लेकिन MD प्रोडक्शन में एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका एक डिपार्टमेंट है जो वार्डरोब को देखता है, जिसमें मिशाल हैं, रुबाब हैं,
तो वो सारी जो थी उन लोगों ने खुद डिज़ाइन की थी कि मीनू को इस तरह के ड्रेसेस पहनने चाहिए। और सबसे मज़े की बात ये है कि आयजा ने, मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि आयजा ने अपने जो कपड़े हैं वो खुद परचेज किए हैं जाके। वो उन्होंने अपनी शर्ट्स, अपनी जो पीने लगाती हैं, वो अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत घुस गई थी। और उन्होंने उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी, मैंने सुना है कि उन्होंने उससे पहले काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया था, उसके बाद इसलिए तो इतनी प्यारी उनकी एक लुक नज़र आ रही है। लेकिन पीछे इन लोगों का अपना डिपार्टमेंट जो है वो लोग भी थे, फिर दानिश भाई भी थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि आयजा जो थी वो खुद जो है माशाल्लाह, बल्कि मैं गई हूँ सेट पे, आयजा का उस दिन था कोई शूट चल रहा था, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने आयजा को देखते ही फ़ौरन कहा, मैंने कहा आयजा आप स्क्रीन पर बड़ी नज़र आती हैं ना, वो माशाल्लाह इतनी यंग लग रही थी, इतना अच्छा उन्होंने आपको मेंटेन किया, इतना अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। मैं हैरान होती हूँ कि वो स्क्रीन पे इतनी बड़ी कैसे लगती है ना। आप उनको जब रियल लाइफ में देखते हैं तो वो वैसी नहीं लगती। दूसरा उनका जो मेकअप इस दफ़ा उन्होंने कैरी किया है वो बड़ा एक नेचुरल सा, एक वो बहुत कम है ना जो एक उनमें, जैसे उनका जो लास्ट जो चला था मेरे पास, उसमें मेरे पास तुम हो वो तो बहुत ही डिफरेंट हो, तो उससे हमें डिफरेंट दिखाना था यहाँ पे चुपके चुपके में आयजा, इसलिए भी ये ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा थोड़ी यंगिश रखी गई है, यंगिश क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था ना इस वजह से। लेकिन बहुत क्यूट लग रही हैं वो जो ना। नहीं नहीं बहुत क्यूट लग रही हैं, बस मुझे उनकी पिंस के जो स्टाइल है वो तो मेरे ख्याल में पूरी वीडियो या पूरी स्टाइल्स पे एक ट्यूटोरियल बन सकता है, जो जितनी उन्होंने यूज़ की और जो हेयर स्टाइल्स उन्होंने उसमें बनाए हुए। ये आपकी जो बात थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि शादी लड़कियों की हमेशा वो कहते हैं कि इशू है, लड़कों का नहीं है। और जब मैं आपके सारे ड्रामे भी देख रही थी, मुझे लगता है सुनो चंदा बेबी जब सीजन 2 आया था, मुझे उसमें बार बार लगा था कि जिया जो पढ़ रही है और फैमिली मतलब एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन मुझे लगता था कि कोई भी उसकी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा है, एंड उससे ज़्यादा इस पर कि तुम्हारी शादी हो गई है, मियाँ क्या कह रहे हैं। मुझे वो बात ना बाकियों ने इतनी नोट की, यानी कि मुझे वो बात बड़ा लगा कि सुनो चंदा सीजन 2 इज़ हाईलाइटिंग दैट पॉइंट कि हम लड़कियों को पढ़ा देते हैं, फिर उनकी एजुकेशन जब वो आगे करना चाहती हैं उस पर हम लोग अपने दरवाजे काइंड ऑफ बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके ड्रामे सोशल इश्यूज पे बात करते हैं? हर ड्रामे में कोई ना कोई सोशल इश्यू होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो कॉमेडी चल रही है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग उसको शायद सोशल इशू को इतना समझ नहीं सकते या उन तक वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता। एक परसेंटेज को तो हो रहा है डेफिनेटली, मे बी मैं उसमें हूँ, लेकिन लोग ज़्यादा हंसी मजाक की तरफ चल जाते हैं। आपको कभी ऐसा फील होता है? कभी आपने रखे हैं सोशल मैसेजेस अपने ड्रामा में? मैं सोशल मैसेजेस लाजमी रखती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ आप लाइट मूड में कह सकते हैं ना, उसके लिए इतना संजीदा रोना धोना डाल के आप उसको क्यों करना चाहते हैं? और हमारा जो बड़े इंटेलिजेंट है, हमारी ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को पिक कर लेती है उसके अंदर से। जिया के लिए बहुत लोगों ने फाइट की है, जिया के लिए मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि आप उसको क्यों पढ़ने नहीं दे रही, भाई मैं तो पढ़ने दे रही फिर ये होता है ना, अपने कॉन्फ्लिक्ट भी तो उभारना होता है ना अपने उसके अंदर। और एक हमारी सोसाइटी की एक आम सोच भी है, हम लोग जो है अपनी, अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है हमारी सोशल वैल्यूज़ भी, हम अपनी लड़कियों को इतनी वो दे रहे हैं, उनको परमिशन के वो बाहर भी जाती हैं हायर स्टडीज़ के लिए कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक मेंटालिटी भी है, हम चाहते हैं कि बच्चियाँ जब डिग्री ले लेती हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ा उनके पास एक चीज़ होती है वो शादी रह जाती है। तो मैं अपने जो ड्रामा से उनके ज़रिए बताना चाहती हूँ कि शादी जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है, आप खुदारा लड़कियों को इन चीज़ों से निकालें। मेरी अपनी जो एग्जांपल है सामने है कि मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ था, फिर मैंने कमीशन का एग्ज़ाम पास किया, लेक्चरशिप की, तो मैं जब तक मेरे सारे चीज़ें नहीं हुई तो तब तक मैंने शादी का डिसीजन नहीं लिया। मेरे फादर ने मुझे खुल के खेलने का जो है वो चांस दिया उसको, तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो आज हूँ आप लोगों के सामने, जो इतना कॉन्फिडेंस है इसके पीछे कुछ है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है। तो मैं ये ऐसा ही बनाना चाहती हूँ अपनी लड़कियों को, अपने ड्रामास के ज़रिए मैं दिखाती हूँ, चाहे वो सुनो चंदा की जिया हो, चाहे वो मनीहा हो, मनीहा का कैरेक्टर जो है चुपके चुपके के एंड तक उसको रियलाइज हो जाता है कि मुझे अपनी स्टडीज़ को फोकस करना है। मैं पॉजिटिव आप हमेशा दिखा रही हूँ। हाँ, वो दिखा रही हूँ। इश्क जलेबी में आप देखें कि जो बेला है वो तो मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो बिजनेस करेगी, वो आगे जाके अपने बाबू जी का बिजनेस संभालेगी। शुरू में मैंने हिंट दे दिया था कि बी एंड बी जो है बेला एंड बासम, यानी कि वो दोनों इसको रन करेंगे। तो जो एक इंटेलिजेंट हमारे व्यूवर्स थे उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था कि ये बी एंड बी जो एब्रिविएशन यूज़ हुआ है तो इसको ये लास्ट में इसके साथ प्ले करेंगी राइटर्स जो हैं।
तो वो चीज़ें हैं, मैं लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि वो डिपेंडेंट ना हो दूसरों के ऊपर ना, तो वो और स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस करें और अपना कैरियर जो है वो बनाएं। हादी और मिशी, मिशी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आई लाइक हर, यू नो कि वो आपने थोड़ी डिफरेंट दिखाई है लड़की, वो झिझकती नहीं है अपने फीलिंग्स बताने में, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, उसको क्या सोच के लिखा था आपने? देखिए अगर आप नवाब हाउस में जाते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पे सारी खवातीन बड़ी कॉन्फिडेंट है ना, ये बात भी है। उनकी दादी को देख लें, उनकी बहनें गुलापा को देख लें, छोटी रूमी को देख लें कि वो आई है, उसने आते ही सबसे पहले भाई का रिश्ता ख़त्म करवा दिया था जैसे उसने घर में एंट्री दी है, तो वो एक पीछे फैमिली का एक चल भी रहा होता ना, तो मिशी कहीं पर भी मैंने नहीं दिखाई कि वो कोई बड़ी इसमें कोई शायनेस हो गई या कोई डरी सहमी सी लड़की है, वैसी नहीं है। और वो हादी को शुरू से पसंद कर रही थी, हादी जो है उसका मैंने थोड़ा ये दिखाया था कि थोड़ा सा एक डफर है मोहब्बत के मामले में, वैसे नहीं है। और सेकंड वो ये था कि एक फैमिली की ट्रेडिशंस भी होती हैं ना, वो उसमें कहता है कि फाजी का नाम लेके कि फाजी को बहुत ट्रस्ट है मेरे ऊपर, लेकिन जब वो मिशी को देखता है कि वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है तो तब वो उसको पॉजिटिव जो वो देता है, अदरवाइज़ ये नहीं था कि इस घर में सारे ही कहीं ना कहीं सेटिंग हुई है, तो वो इस तरह से था। बाकी मिशी तो आजकल की लड़की है जो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेना जानती है, लेकिन इतना बोल्ड दिखाना कि वो जाके खुद मतलब इतनी हद तक आगे जाती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा, लड़कियाँ यूजली होती नहीं, बल्कि इनफैक्ट वो कहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इजहार मोहब्बत लड़की कभी नहीं करे, इजहार मोहब्बत या मोहब्बत में लड़की कभी इनिशिएटिव नहीं ले, लेकिन आपने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, आपने मिशी के थ्रू थोड़ा स्टीरियोटाइप्स को भी चेंज किया। राबिया ये क्यों हो कि लड़की हर दफा मोहब्बत में क्यों रोए ना? नहीं, मैं तो नहीं कह रही है, मैं तो नहीं कह रही है, मुझे ना इल्जाम दीजिएगा, मैं तो कह रही हूँ एक्सपेक्टेड हमारी ऑडियंस में, हमारी सोसाइटी में, ऑडियंस भी नहीं सोसाइटी में ही है ना। एक्चुअली देखें जो राइटर, मुझे तो बड़ी रिफ्रेशिंग लगती थी मिशी का कैरेक्टर, हमेशा हादी को सही भी करती थी, उसको डांट भी देती थी। ऐसी ऐसी देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाली हैं ना, ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में या मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ हो चुकी हैं। जैसे जब मेरी शादी का डिसीजन लेना था तो मेरे फादर आउट ऑफ कास्ट जाने के लिए रेडी नहीं थे। उनको लगता था कि नहीं, एक फैमिली का प्रेशर होता है, एक अपने ख़ानदान का जो है, लोग मुझे क्या कहेंगे कि इनको अपनी कास्ट के अंदर वो नहीं मिला कोई। तो उस वक्त मेरी बड़ी जो बहन है उन्होंने स्टैंड लिया था मेरे लिए, वो हाँ। हालांकि हम लोग जो हैं कोई ये नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिलीज में जिस तरह से लड़कियाँ होती हैं जैसे उनकी परवरिश की जाती है, वहाँ थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से इस तरह की बातें करते हुए थोड़ा हेजिटेट होते हैं, तो लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने बताया मेरे फादर को जाके कि ये चीज़ गलत है, आप गलत कर रहे हैं ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप लोग जो हैं लड़कियों की जो है उसको देखें और उसको देखें, चीज़ों को देखें। खैर वो तो मेरी तो फैमिली की ही पसंद से हुई लेकिन आउट ऑफ कास्ट हुई, तो वो चीज़ें एक दिमाग में थी कि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं जो टैबूज जो हमारे चलते आ रहे हैं सोसाइटी के, इनको ख़त्म होना। जहाँ पे मिशी को ये लगा कि अब हादी जो है अपनी फैमिली की ख़वातीन के प्रेशर में आ गया है और वो नहीं कर पा रहा जैसे किसको करना चाहिए, वहाँ पे उसने फिर लिया स्टैंड, लेकिन एंड में आके हादी ने इस चीज़ को माना, वो हर एक के सामने उसने माना इस चीज़ को, उसने लिया फिर जहाँ पे उसको लगा कि फाइनली फाइनली गैरत जगवा दी, फाइनली बहादुरी जगवा दी थी मीशा ने उसके, जी जी बिल्कुल ऐसे उसके था। दिल में अच्छा इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं, मतलब थोड़े दो तीन एपिसोड में तो समझने में ही हमें टाइम लगा कि किसका रिश्ता किससे। चैलेंज था, वाज इट अ चैलेंज? बहुत। आपने शायद राबिया गौर किया होगा कि चाहे सोनो चंदा हो, चाहे चुपके चुपके हो, चाहे इश्क जलेबी हो, मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं कलैदा से। मैं बिल्कुल यही, मेरा पता दूसरा सवाल ये था कि आप कैसे करती हैं इतने कैरेक्टर्स होने के बावजूद आपके हर कैरेक्टर के पास इतना स्क्रीन टाइम होता है कि आप उस कैरेक्टर को समझ सकें, उस कैरेक्टर से एसोसिएशन आपकी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अभी मैं गिन सकती हूँ कि भाई वो कफायत भाई हैं और फिर वो मिर्ची है और फिर वो यू नो वलीद है और फिर वो सारे, मतलब आई कैन काउंट द कैरेक्टर्स, मानी आ गया है और उससे पहले मिस्कीन साहब थे, यू नो, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? मैंने आपको बताया कि राबिया मैं स्टोरीज़ पे काम नहीं करती, मैं पहले कैरेक्टर्स के ऊपर काम करती हूँ। जब आप कभी मेरा वन लाइनर देखेंगे तो मेरा कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, स्केच जो बनता है वो 5-6 पेजेस का होता है। आप यकीन माने कि एक एक कैरेक्टर के ऊपर मैंने आधा आधा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं जो उसको दूसरे कैरेक्टर से जो है वो डिफरेंट करेंगे।
चाहे वो मनीहा है, फास है, हादी है, मिशी है, तो वो लोग सारे डिफरेंट दिखाई देते हैं। और फिर मेरी एक दानिस्ता कोशिश होती है कि मैं उनको दूसरों से डिफरेंट करने के लिए कुछ चीज़ें अलग से करूँ। ओके तो वो चीज़ें जब स्क्रीन पे आती हैं वो उस पर छोटी सी उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करना पड़ती है हमें। जैसे शुरू में मैंने दिखाया कि मनीहा की जो मदर हैं हर वक्त डस्टिंग करती रहती हैं, तो जब स्टार्ट में आप कैरेक्टर्स बना लेते हैं तो अगर राइटर भूल भी जाता है कुछ चीज़ों को कैरी करना, तो हमारे माशाल्लाह एक्ट्रेस बड़े, डायरेक्टर बड़े अच्छे वो हैं, वो उसको कैरी कर लेते हैं। इसी तरीके से इश्क जलेबी में वजाहत ने जो है बड़ा अच्छा उसको वो किया कि जब मैंने बेला का कैरेक्टर बनाया वहाज का, बल्कि ये जो उसमें नाम रखे गए हैं कवि साहब अपने पोते पोतियों को कहते हैं पेठा बर्फी लड्डू, तो ये उनको कवि साहब ने सजेशन दी थी वजाहत को। मैंने इनके निकनेम्स कुछ और रखे हुए थे, तो वजाहत ने फिर मुझे कहा कि सायमा कवि साहब की ने एक दिया, बड़ा मुझे अच्छा लगा है उनका। तो मुझे फिर वो जब उन्होंने बताया तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा इसका नाम बालूशाही, इसका नाम ये। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपने कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, और थोड़ी सी मेरी जो है वो गुड लक ये है कि मुझे डायरेक्टर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, कि वो लोग खुद भी उनको एक दफ़ा समझ लेते हैं उन कैरेक्टर्स को, फिर उनको साथ लेके चलते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, नज़ाकत सुनो चंदा में मैंने स्टार्ट में सिर्फ वो लिखा था उसका कि वो बीमार रहता है, हर वक्त उसके पास मेडिसिन होती हैं। उसके बाद जितना उस कैरेक्टर को कैरी किया वो एहसन तालिश ने किया, उसको जितना कैरी किया वो खुद जो थे उन्होंने, हाँ एक्टर जो थे समीर है ना मेरा ख्याल ना, उन्होंने खुद जो है वो किया और बड़ा प्यारा उसको बनाया। तो बात जगहों पे जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है, जब कैरेक्टर्स को ये पता होता है कि हम कौन हैं, हमने किस तरह से वहाँ पे उस सिचुएशन में रिएक्ट करना, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे चुपके चुपके में मस्कीन जो है वो एक अलहदा से ही बोलता है, बिल्कुल वो तो बोल सरकार वो बेबे जो है वो एक अलहदा से बात कर रही होती हैं। तो वो हर बंदा अपनी मिजाज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली ही उसको रिएक्ट करता है, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना उस किरदार को, तो स्टोरी जो होती है वो खुद बहुत निकल आती है उसके अंदर से। सामी जी, आई वॉन्ट टू से दिस, और मैं सारे ऑडियंसिस को भी, मैंने जो हमने एक पोल डाला था कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो करें, और मैं मजाक नहीं कर रही, कितने उसमें सिर्फ ये मैसेजेस थे कि हमें कोई सवाल नहीं पूछना। और ये मैं भी अपनी तरफ से भी कहना चाहती हूँ, हम सिर्फ आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपने बहुत खूबसूरत लिखा, वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने पहले हमें सुनो चंदा दिया, फिर चुपके चुपके और अविश जलेबी भी। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत लिखा हुआ है हर कैरेक्टर को कि हम फिदा हो गए, हम फैंस हो गए हर कैरेक्टर के। तो वी रियली वांट टू थैंक यू एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट, यू नो। थैंक यू राबिया, आप लोगों की जो अप्रिसिएशन होती है ना, यकीन माने कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है इंसान के अंदर, कि अब जैसे ही चुपके चुपके और इश्क जलेबी को माशाल्लाह बहुत अच्छी वो मिली है, अप्रिसिएशन मिली है, उसके साथ ही नई नई स्टोरीज और नए नए कैरेक्टर्स मेरे दिमाग के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। वो इसलिए कि देखिए पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको उकसाती है आप आगे अच्छा काम करने के लिए। अब मेरे लिए और ज़्यादा चैलेंज हो गया है कि मुझे इन तीनों अपने सीरियल से बेहतर कोई चीज़ देनी है, और कुछ जो चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हुई हैं मैंने उनको वो रिपीट नहीं करना। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को कि देखें, कोई एक्टर हो या कोई राइटर हो या कोई डायरेक्टर हो, उसकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो उससे आगे बढ़ के काम नहीं कर सकता। हम राइटर्स हैं, हमारी एक वोकैबुलरी है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। एक टाइम आता है कि जब हमारे पास भी लफ्ज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता, हम बात चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियसली उसको जो है रिपीट कर जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते ना। हर दफ़ा नई चीज़, नए डायलॉग्स, जैसे नवा कट्टा सुनो चंदा में था, वो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना था। चुपके चुपके में मीनू तो लड़की बड़ी कूल है पर दुनिया बड़ी फजूल है, इन चीज़ों को सोचने में मुझे बहुत टाइम लगा कि मुझे इनको डिफरेंट करना है, किस तरह से इसको मैं करूँ जो करके। बाकी ये था कि आप लोगों की मोहब्बत है जो लिखवाती है, और सिर्फ ये नहीं कि आपने लव्स दूसरे यूज़ किए हैं, अगर आप कैरेक्टर्स को भी तो लें, आपका हर कैरेक्टर एक मतलब एक यूनिक पर्सन है। वलीद को ले लें, आपने वलीद को एक कैरेक्टराइज किया है ना कि वो क्रिकेट खेलता है, उसकी मीनूजर वकी होती है, वो इस तरह का है, उसकी इस लड़की से बात हो रही है, यू नो। मिर्ची को ले, मिर्ची का अपना कैरेक्टर है, तो आपने हर कैरेक्टर को बड़ा एक डिफरेंट यूनिक पर्सनालिटी दी हुई है, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा चले बात है इस जलेबी पे, हम मेरा फेवरेट है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है देख के, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि वो जो एक हमें वो देखना होता है ना, रोमांटिक कोई रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी जिसमें फैमिली वैल्यूज भी हों, जिसमें थोड़ा बहुत वो भी, और इसमें बड़ा खूबसूरत सा रोमांस हो, मुझे लगता है वो इश्क जलेबी है। एक्चुअली ये जो इश्क जलेबी जो है, इसके पीछे एक बड़ी हमारी मीटिंग्स हुई हैं,
और पर्सनली जो थी अब्दुल्ला कादवानी साहब और असद कुरैशी। थोड़ा सा अगर आपको काट के पीछे, ये हुआ कैसे था, मुझे वहाँ से कहानी सुनाए, आपके पास ये आया कैसे आइडिया, आपको कॉल कैसे आई, क्या हुआ, ये वहाँ से हमें शुरू करें। एक्चुअली जो इश्क जलेबी है, ये शायद आप लोगों को सुन के हैरत हो कि ये आज से 2 साल पहले सीज़न 2 जब मेरा सुनो चंदा ऑन एयर होना था, ये उस टाइम पे ऑन एयर हो जाना था ये सीरियल। तो इश्क जलेबी मैंने उस दौर में लिखना शुरू किया था 2019 में। इसकी 6-7 एपिसोड्स जो थी वो मैं लिख चुकी थी और उसी दौरान जो था ये डिसाइड हो गया कि हमने सीज़न 2 करना है, तो मैंने ये बीच में छोड़ दिया था। तो 2 साल तक जो है वो सेवन स्काई जो है वो थोड़े सा नाराज़ रहा मुझसे। मैरी है वहाँ पे कंटेंट हेड है, मेरी बहुत प्यारी बहन है, बड़ी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, तो वो थोड़ा सा खफा हो गई। उन्होंने कहा कि सायमा देखो तुमने कमिटमेंट की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो था, बीच में इसको छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी ना, मैं बड़ी एम्बेरस हुई उस चीज़ के लिए। फिर मैं 2 साल तक जो है वो बार बार मैरी को कहती रही, मैरी कोई और चीज़ करते हैं, कुछ बैठ के कोई नया काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खफा सी थी, मुझे फील हो रहा था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में उनको एक इमरजेंसी में चाहिए थी टेलीफिल्म, तो वो फिर लव स्यापा के नाम से मैंने उनको एक टेलीफिल्म लिख के दी, उसका एक अच्छा आ गया, तो खुश हो गई, वो खुश हो गई। आपने सब कुछ मेंट कर लिया। हाँ, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा हुआ था तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, असद कुरैशी साहब ने, उन्होंने मुझे कहा कि जो अब्दुल्ला कादवानी साहब हैं उनका बेटा आ रहा है कैनेडा से, उसका डेब्यू करवाना है हमने, तो हम एक टेलीफिल्म जो है वो लिख के दें हारून कादवानी के लिए, तो उसको डायरेक्ट करेंगे एहसन तालिश। तो एहसन तालिश के साथ तो वैसे ही आपको पता है कि मेरी एक बड़ी अच्छी अच्छा सा वो है, वो तो अभी आई है ना। हाँ, वो उनका आया है। तो तेरी मेरी कहानी जो थी उसका फिर एक आइडिया लॉक हुआ, एहसन भाई ने वो की, उनकी जो थी हारून कादवानी ने उसके ज़रिए डेब्यू किया और माशाल्लाह वो बहुत उनकी हिट गई है टेलीफिल्म जो है, और बहुत उसके जो थे व्यूज़ आए हैं और रेटिंग उसकी बहुत अच्छी आई। उसी दौरान मुझे असद कुरैशी साहब ने एक दिन बुलाया मीटिंग के लिए और मुझे कहा कि सायमा हम इस दफ़ा रमज़ान सीरियल करना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने रमज़ान सीरियल का नाम लिया तो मुझे थोड़ी सी ना वो हंसी आ गई और और मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चुपके चुपके लास्ट ईयर लिखा जा चुका था, वरना फिर फंस जाती, फिर फंस जाती और बड़ी एम्बेरसमेंट दो एक सिचुएशन होनी थी ना, दो नहीं आप एक साथ कर पाते। तो खैर वहाँ पर उनके ऑफिस में बैठ के इश्क जलेबी का जो पुराने वाला स्क्रिप्ट था वो निकाला गया, मैंने उनको बताया कि मेरी जो स्टोरी है वो इस तरह से चल रही है कज़न्स के साथ। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि सायमा ऐसा नहीं हो सकता कि हम लॉकडाउन को और कोरोना की जो चीज़ें हैं जो ये सारा चल रही है सिचुएशन, इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाएं हम अपने इसके अंदर। वहीं से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हमें जो है एक ऐसा बाप जो है उसकी फीलिंग्स को दिखाना चाहिए जिसके सारे बच्चे मुल्क से बाहर हों। तो उन्हीं के ऑफिस में बैठकर इसका स्टोरी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई। मैं थी, जो थे असद कुरैशी साहब थे, शुरू में एहसन तालिश भाई ने बहुत अच्छा उसका जो है वो उसमें हमें वो सजेशंस दी, मैरी थी, और मैं ऐसे हैरान होती हूँ कि मैंने बहुत सारे चैनल्स के साथ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, लेकिन जितना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होता है सेवन स्काई, शायद बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो होते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो है ना डायरेक्ट जो है वो राइटर्स के साथ ज़रा कम उनका होता है। लेकिन ये दो लोग इस तरह के जिनके अंदर बड़ी एनर्जी है, ये सीरियल इस तरह से था कि आप समझें कि हर हफ्ते या 15 दिन के बाद मेरी एक पेशी होती थी और पेशी होती थी। हाँ, पेशी इस तरह से होती थी कि एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं कुकिंग कर रही थी, अब्दुल्ला कादवानी साहब की कॉल आ गई, मैं खाना बना रही थी और मैंने उसके अंदर ना पानी थोड़ा सा डालना था, मैंने पूरा जग डाल दिया उसके अंदर ना, आप चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, आपने उसको पकड़ के सारा शोरबा, इतनी मैं नर्वस हुई क्योंकि मैं कमिटमेंट जो है वो पूरा नहीं कर पा रही थी। उनके ऊपर प्रेशर था कि सीरियल जो है वो शूट पे भेजना, इतना कम टाइम, आप सोचिए कि कहाँ ये अप्रैल है ना, फरवरी में मेरा ख्याल मैंने स्टार्ट किया इसको जो है लिखना। इतने कम टेन्योर में फिर जब एक राइटर्स ब्लॉक जो है हमारे साथ चल रहा होता है और आप लाइट चीज लिखते हुए ना, आप लाइट क्या सीरियस पे आप बहुत लंबा नहीं लिख सकते राबिया, आपको बीच में राइटर का दिमाग थक जाता है, आपको ब्रेक चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए होती है, लेकिन ये चीज़ एक राइटर ही समझ सकता है, कोई और नहीं। हाँ, कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि हम जैसे बदतमीज डिमांड करने वाले फैंस और रिव्यूअर्स नहीं समझ सकते। आप लोगों को शायद लगता है कि ये कोई मशीन लगी हुई है उसके अंदर डालती है चीजें और वहां से निकल आती है। आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें देती है, इतनी मजे की चीजें देती है, हमें लगता है कि बस ये मिल रहा है, हम डिमांड करते जाते हैं। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि बहुत सारे राइटर्स मेरे जैसे पागल होते हैं जो वो पूरी एपिसोड लिख के मजा नहीं आता डिलीट कर देते हैं,
मैंने बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स किए हैं, तो बहरहाल मैं अब्दुल्ला साहब का बता रही थी, अब्दुल्ला साहब बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग, बड़ा अपने राइटर्स का ख्याल रखने वाले। इसी तरीके से असद कुरैशी साहब जो हैं वो दोनों माशाल्लाह उनका अल्लाह ताला कॉम्बिनेशन जो है वो सलामत रखे और अच्छे अच्छे सीरियल्स वो दोनों देते रहे। तो उन्होंने पर्सनली जो था उन्होंने कहा सायमा किसी के काबू नहीं आ रही, ना असद कुरैशी के ना मैरी के, तो मैं करता हूँ। अब आप करें कि मैं एक टाइम आया कि मैंने मैरी से कहा मैरी अब्दुल्ला साहब की जब कॉल आ जाती है ना तो जो मेरा राइटर्स ब्लॉक एक दिन का होता है ना वो दो दिन चलता है, प्रेशर में आ जाती हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये सीरियल जो है इसका जो क्रेडिट है वो सारा का सारा जो मैं अगर देती हूँ किसी को इश्क जलेबी का तो वो अब्दुल्ला कादवानी साहब, असद कुरैशी और मैरी है। उन्होंने आपसे लिखवा लिया? उन्होंने मुझसे लिखवा लिया। आप लिखवाना एक जो राइटर्स होते हैं ना बड़े मनमौजी से होते हैं राइटर्स जो है ना, हर वक्त नहीं लिख सकते, डेड लाइन्स उनसे लिखवाती हैं, धमकियां उनसे लिखवाती हैं। आज तो बड़े मजे की चीजें पता चल रही हैं, बहुत ऑनेस्टली बात कर रही है सायमा जी। डांट डपट जो होती है वो उनसे लिखवाती है। बाज़ औक़ात फिर मैं मैरी को कहती थी मैरी प्लीज़ वो नहीं समझ आ रही ना कुछ, डिस्कस करते हैं इस पे कहानी पे ना, मैं ऑफिस चली जाती गई हूँ, फंस गई हूँ मैं, सेवन स्काई चली जाती थी कि आप बैठ के मैं कहती थी स्टोरी डिस्कस करें मेरे साथ बेला की और उसकी जो है ना। बट ज़रूरी होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से, और देख लें कितना खूबसूरत वो चल रहा है, सज्जो आपा और आशिक हुसैन साहब जो एडवोकेट आशिक हुसैन है उन्होंने तो बस मुस्कुरवा हंसा हंसा के हमें बुरा किया, बुरा मैं किया। तीन चार दफ़ा गई हूँ इश्क जलेबी के सेट पे, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं नूर भाई की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कवि साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और नूर साहब का तो जुमला खुद निकलता है दिमाग में जैसे शहाना का निकलता था। अच्छा सुनो चंदा में मैंने सुना आप लिखते हुए आपके दिमाग में शुरू से था कि नूरुल हसन, हाँ नूरुल हसन साहब को लेना है, और इस्सा गज़ल मेरे जहन में आती थी सज्जो के लिए। आपको फाइट करना पड़ी थी मैंने सुना, सज्जो के लिए करनी पड़ी थी मुझे, नूर साहब तो आ गए थे इसलिए कि इस्सा शायद बिजी थी थोड़ा, वो ये था कि सियाल मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर में ये सियालकोट से हैं वो, उनको वहाँ से यहाँ पे आना था और ये जो ऑप्शंस दे रहे थे उस कैरेक्टर के लिए ना वो मेरी समझ में आ रहे थे ना वो वजाहत साहब की समझ में आ रहे थे। वजाहत भी माशाल्लाह बड़ी फाइट की है अपने एक्ट्रेस के लिए, हाँ। तो वो तो क्लियर थे कि मुझे ये लेने हैं। एंड शी इज़ सो गुड माशाल्लाह से, मतलब जब वो लोग स्क्रीन पे आते हैं सज्जो और आशिक हुसैन के जो उन लोगों के आपस में कजन्स की जो नोक जो होके ना, आई थिंक वो इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आता है और इतनी नेचुरल निकलती है, और आपके डायलॉग में सुन रही होती हूँ कहती हूँ कैसे लिखे इन्होंने इतने। अच्छा जो कैरेक्टर्स मैं बताऊँ कि राइटर्स के दिल के करीब होते हैं ना वो उनकी चीज़ें बहुत निकलती हैं, बहुत मजे का। जब मुझे पता होता है कि मैंने नूर साहब का सीन लिखना है या मैंने ईर्षा का सीन लिखना है तो खुद बहुत आता है। ओके ऐसे ही शाहाना का आता था, सुनो चंदा में आता था, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे कुछ आपके फेवरेट चिल्ड्रन हैं कुछ प्रेफर्ड, कुछ एक आध बच्चा आपको बड़ा लाडला होता है ना तो इस तरह। अच्छा बेला और बासिम, बेला और बासिम की लव स्टोरी परफेक्ट है वो दोनों इस सके। हाँ वो दोनों हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा ना मैंने जैसे मदीहा का बहुत ज्यादा काम नहीं देखा था तो मुझे लगता था कि शायद पता नहीं वो कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, तो असद कुरैशी साहब में उनको उनकी जो है क्या कह सकते हैं उसको दूरअंदेशी की जो है मैं कायल हो गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि सायमा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो मेरे दिमाग के अंदर आती है वो बेला वो मदीहा इमाम है। और जब मैं सेट पे गई हूँ, जब पहली दफ़ा मैंने वहाँ पे मदीहा को काम करते हुए देखा फिर मैं सेटिस्फाई हो गई थी। और थोड़ा मदीहा का जो कैरेक्टर है बड़ा सॉफ्ट स्पोकन सा, बड़ी लविंग, बड़ी केयरिंग जो है ना, इस तरह के कैरेक्टर्स लिखना बहुत मुश्किल है, उसमें लिखने का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो लाउड कैरेक्टर होते हैं ना वो खुद लिखवाता है, बहाज के जुमले लिखते हुए मुझे मज़ा आता है क्योंकि वो जो हमारा बासिम है एक एंग्री यंग मैन है, सीरियसली हाँ, थोड़ा सा उसके साथ घर में ज्यादती होती है, लोग ये समझते हैं कि शायद वो सेल्फिश है, वो सेल्फिश नहीं है, वो जो है हालात और जो चीज़ें जो हो चुकी हैं उसकी लाइफ में उसकी वजह से वो थोड़ा सा बिटर हो गया, हाँ वो बिटर हो गया है, वो सेल्फिश नहीं है, वो आगे जब आप स्टोरी जो है आप सारे एंड की तरफ जा चुकी है आपने देखा है कि उसने बेला के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब जो था वो अधूरा छोड़ दिया, उसने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, हाँ, मैं यहीं पे रहूँगा, तो मोहब्बत कितना क्रेजी था उस चीज़ के बारे में, उसकी ज़िंदगी चलती उस चीज़ के गिरती, हाँ। लेकिन ये बाबू जी जो हैं वो इतना क्यों उसके साथ बेचारे के साथ हर वक्त गुस्सा करते रहते थे, आपको लगता नहीं कि बाबू जी की इस एटीट्यूड की वजह से भी वो थोड़ा चिड़चिड़ा और ज़्यादा हो जाता बेचारा, उसको कभी सीरियसली नहीं लेते थे वो राबिया? वो इसलिए कि ना वो एक घर में रहने वाला जो बच्चा होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि बासिम के साथ वो चीज़ हुई। okay. थोड़ा सा जो बाऊजी का जो एग्रेशन था अपने बच्चों का
जो उनके वो उस पे से निकलता था. Okay. और ज़िंदगी में आप देखें कि हमारा बस जिन लोगों के ऊपर चलता है तो हम उन्हीं के ऊपर ही कह रहे होते हैं. उनको प्यार है बासिम के साथ, जिसको बड़े प्यार से पेठा कहते हैं, वो प्यार है उनको, ये नहीं है कि नहीं है, मोहब्बत करते हैं उससे. बल्कि जब वो बेला से जब उनको पता चलता है कि दोनों के दरमियान में एक एफिलिएशन है और इस तरह से है, तो वो कहते हैं पेठे में तुमने देखा क्या था. तो वो बाऊ जी की जो लाइफ की जो तल्ख बातें थी, जो तल्ख चीज़ें थी, जो उनका चीज़ें थी, बिहेवियर जो उनका था, वो फिर जो घर में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर ही वो अपना गुस्सा जो था वो उतारते थे, चाहे वो आशिक हुसैन साहब हों या वो. मुझे बड़े मजे का ट्विस्ट लगा था कि शुरू में तो आशिक हुसैन साहब और बाबूजी की बनती नहीं थी, फिर जैसे ही वो बाहर वाले लोग आए फॉरन रिटर्न, तो दोनों का जो वो जो कट जोड़ था ना, वो तो इट वॉज सो फनी जब वो दोनों हाथ भी मिला रहे, हाई फाइव भी कर रहे हैं और मजे की. आशिक साहब जो है ना, उनका कैरेक्टर भी जो था ना वो नेगेटिव नहीं था, वो पॉजिटिव ही था. और मैं दिखाना चाहती थी कि घर दामाद जो होते हैं वो हमेशा बुरे नहीं होते. वो आशिक हुसैन एक ऐसा घर दामाद है कि जिसने अपने ससुर की बीमारी के दौरान उनको संभाला, उनका बिजनेस जो है वो उन्होंने वो किया. तो वो जब उनको पता चला कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको ज़रूरत है किसी मर्द की इस घर में, तो वो खुद अपना सारा घर बार छोड़ के उधर आ गए. तो वो एक बड़ा प्यारा मैंने दिखाया है, सास सॉरी ससुर दामाद की जो है एक एफिलिएशन दिखाई है, एक बाउंड दिखाया है मैंने. भाई आपको लगा ये मैसेज सही तरह कम्युनिकेट हो गया? कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था शुरू में कि जैसे आशिक हुसैन साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, या बहुत से व्यूअर्स को ऐसा लग रहा था. आपको लग रहा था ये मैसेज जो आपका है वो सही तरह कम्युनिकेट हुआ? देखिए एक सीन आया है कि जिसमें आशिक हुसैन जो हैं, जब बाऊ जी उनके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं काफ़ी सारी, तो वो जाके सॉरी करते हैं अपने मिसेस के साथ कि मैं थोड़ा वो हो जाता था ना, एग्रेसिव हो जाता था, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं तवक्को नहीं कर सकता था कि बाऊजी इस तरह से मेरा और मेरे बेटे का भी ख्याल रखेंगे. तो वो चीज़ें होती हैं. दूसरा ये है कि राबिया मैं अपने कैरेक्टर्स को इंसान दिखाती हूँ, इंसानों में गलतियाँ भी होती हैं, खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं. तो मैं उनको फरिश्ता नहीं दिखाती कि ये कैरेक्टर है तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है. थोड़ा ग्रे भी आपको दिखाना चाहिए. हम सब हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं. तो वो इस तरह का कैरेक्टर है. रामी जी एक बात बताइए, जो जैसे बासम बेला की कहानी थी, रोमांटिक रोमांस जो था, बड़े मतलब ऐसा रोमांस था जिसको देख के मज़ा आ रहा था. आप अनकम्फर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, कोई सेंसेशनलाइज नहीं किया हुआ था, बट लेकिन फिर भी उसमें एक रोमांस था. यू नो, अगर मैं अपनी बात सही तक समझा पा रही हूँ, तो ये कैसे मैनेज करती हैं आप कि उसमें कोई इनडिसेंट बात भी नहीं हो? सुनो चंदा में भी ऐसे ही था, इवन चुपके चुपके में भी ऐसे ही था. यू नो, फाजी और मीनू जब भी होते थे कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती थी जिसपे आप देख के बोले कि यार ये क्या है. यू नो, आप अगर किसी के बड़े के साथ बैठे हो तो थोड़ा आप ये मैनेज कैसे करती हैं? कुछ लिखते हुए कुछ आपके दिमाग में होता है, कोई अपने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या ये गोल होता है हर दफ़ा रोमांटिक सीन लिखते हुए? मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं इस टाइप का ड्रामा लिखूं जो पूरी फैमिली बैठ के देख सके, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव जो चीज़ मुझे मिलती है, एनर्जी इस बात से मिलती है कि जब लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली बैठ के ये ड्रामा देखती है, तो मैं ये नहीं चाहती कोई ऐसा सीन आया जिससे वो कोई ना कोई वहाँ पर अनकम्फर्टेबल हो ना. तो मैं ये दानिस्ता तौर पर कोशिश करती हूँ. बल्कि सुनो चंदा में एक दो चीज़ों पर मैंने थोड़ा इतराज़ भी किया कि आपने थोड़ा क्लोज कर दिया है जो हमारी मेन लीड है उसको. मुझे पर्सनली ये चीज़ें पसंद नहीं है. मैं कहती हूँ आपकी कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं हमारी जो कि ख़त्म होती जा रही हैं, उनको हमें दोबारा से ज़िंदा करना चाहिए. तो ये एक दानिस्ता एफर्ट होती है. और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, चाहे 47 हों, चाहे वो दानिश नवाज़ हों, चाहे वो वजाहत हुसैन हों, उन्होंने इस चीज़ को समझा है. और वो देखिए हम तो लिख के दे देते हैं ना, आगे तो चीज़ उनके हाथ में चली जाती है, वो उसको जिस तरीके से भी कैरी करना चाहें वो कर सकते हैं ना. हम लोग तो वहाँ मौजूद नहीं होते, हम तो जब स्क्रीन पे चीज़ चलती है तो वो कर लेते हैं. तो ये जो स्टार्ट में हमारी मीटिंग्स होती है ना, उसमें ये चीज़ डिसाइड की जाती है. तो मेरी ये दानिश्ता एफर्ट होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना दिखाऊँ जो मैं खुद देखते हुए और मुझे ना लगे जो है. बल्कि सुनो चंदा की दफ़ा आपको मज़े की बात बताऊँ कि एक सीन में मेरी जो है मदर जो थी उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम क्या दिखा रही हो. अच्छा उन्होंने कहा आपको? तो वो करके तो वो चीज़ें इवन देन के ड्रामा देखते हुए तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए होते हैं. कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं तो यूँ करके देखते हैं वो, यानी कि उनको भी अच्छा नहीं लगता. और सबसे जो अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, सुनो चंदा मेरे मियाँ ने पूरा नहीं देखा था, बीच बीच में से कुछ टुकड़े देखे थे, लेकिन इश्क जलेबी और सॉरी ये जो है चुपके चुपके, ये दो ऐसे सीरियल्स हैं जो वो रेगुलर देखते हैं. इश्क जलेबी क्या है उनका? इश्क जलेबी जो है वो उसके साथ उनके एक पर्सनल अटैचमेंट है अपने फादर की वजह से ना. okay, हाँ, क्योंकि वो मैंने आपको शायद पहले भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कवि साहब जो है वो मेरे फादर इन लॉ को मैंने उसके अंदर जो है दिखाया है. हाँ दिखाया है.
तो वो बाज़ औक़ात उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मैंने अब्बा जी के जुमले लिखती हूँ उसके अंदर, वो जैसे उनका प्यार का स्टाइल था मैं वैसा ही मैंने बहुत जुमले उनके उसके अंदर कोट किए हैं इश्क जलेबी में, कि जो लोग मेरे फादर इन लॉ को जानते होंगे उनको पता चल जाएगा कि वो जो ना वो पेठे और यूं करके जो बातें चीज़ें हैं ना, वो उनका एक लाड का स्टाइल था, वो प्यार का स्टाइल था, तो वो उनको ज़्यादा जो है वो इश्क जलेबी को देखते हैं, लेकिन उनको मज़ा जो है वो चुपके चुपके में भी आ रहा होता है उसमें, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं अस्मा जी के, अस्मा अब्बास के, उनको बड़े वो मज़े से देखते हैं और उनके जुमले जो होते हैं इन्जॉय करते हैं यानी कि, और ये दोनों जो सीरियल्स चलते हैं तो हम एक देखते हैं टीवी के ऊपर और दूसरा यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, देखते डेली हैं दोनों सीरियल्स। ओके दैट्स रियली नाइस। मुझे बताएं पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल, मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ा रही हूं। लिटरेचर पढ़ाती हूं। वैसे और आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं? मेरे हस्बैंड माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन है। तो उधर से कोई कहानी नहीं निकाल रही आप? उधर से कहानी नहीं निकालती हूँ, लेकिन जहाँ फंस जाती हूँ ना तो उनके साथ डिस्कस करती हूँ, तो उनका एक ही होता है एक्सीडेंट करवा दो, क्योंकि डॉक्टर है ना। तो वो या फिर कोई ऐसा मेडिकल का सीन आ जाता है जिसके अंदर उनको लगता है कि कोई भंड हो गया है ना, तो वो फौरन मुझे बताते हैं कि इस तरह से ये वाला नहीं शूट करना था, ये गलत दिखा है। अच्छा, वो फीडबैक जैसे मेरे पास तुम हो में लास्ट सीन था, तो उसमें उन्होंने फौरन बताया कि इसकी वो ईसीजी जो थी वो तो सारे में बड़ा सबने उसको वो किया था। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो माशाल्लाह उनको मेरी सारी स्टोरीज पता होती हैं। आप उनसे डिस्कस करती हैं पहले? आइडिया आता है तो आइडिया आता है, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, मेरी मीटिंग्स मेरे साथ होते हैं। अच्छा। वो जाते हैं और साथ साथ वो जो है हर चीज़ जहाँ फंस जाती हूँ फिर मैं बैठती हूँ, उनका भी बड़ा मज़े का होता है। अच्छा ठीक है, हम दोनों मिल के ना फिर बाद में रात को बैठे होते हैं बातें करते हैं, फिर ये दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि वो आप जहाँ फंसती हैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेती हैं, गपशप लग के साथ साथ सॉल्यूशंस निकल आते हैं। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो हम ये जो मेरी सास का बच्चा है ना तो वही सारी दुनिया है, तो इसलिए हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से स्टार्ट होके एक दूसरे के ऊपर ख़त्म हो जाती है। लेकिन फैमिली में बच्चे हमारे बहुत हैं माशाल्लाह से, तो सबकी मैं बड़ी मम्मा हूँ। बल्कि मैं आपको मज़े का वाकया बताती हूँ, जब सोनू चंदा के लिए मैं आती थी इस्लामाबाद से, तो मेरे देवर की बेटियाँ आती थी मुझे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे, तो वो दूर से जैसे मुझे देखती थी तो शोर मचा देती थी, बड़ी मम्मा आ गई, बड़ी मम्मा आ गई, तो लोग यूँ देखते थे कि बड़ी मम्मा कौन सी। तो मेरे जो ड्रामास हैं तो वो बताती हैं, वो सेंट जोसेफ में सेंट माइकल में पढ़ती हैं, तो शो मारती होंगी, शो मारती हैं, हमारी बड़ी मामा ने ये लिखा है। हाँ, तो बाज़ औक़ात बच्चे वो कह देते हैं उनको कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रही हैं, तो वो फिर सेल्फीज बना के लेके जाती हैं मेरे साथ दिखाने के लिए उनको। और सबसे बड़े फ़ैन तो मेरे फादर इन लॉ थे मेरे ड्रामास के, वो आखिरी दम तक मुझे ये तलकीन करते रहे कि तुमने राइटिंग नहीं छोड़नी। उनको लगता था कि शायद मैं अपनी टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसके साथ उसको नहीं दे पाऊँगी टाइम। आप राबिया यकीन माने कि मैंने सुनो चंदा की लास्ट कुछ एपिसोड्स आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में बैठ के लिखी हैं, क्योंकि अब्बा जी जो थे वो एडमिट थे वहाँ पे, सीजन 2 चल रहा था, साथ साथ मैं लिख रही थी और इतना हेक्टिक था वो। और जो उनका लास्ट डे था, जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन भी मैं उनके सामने रूम में हॉस्पिटल के अंदर बैठी लिख रही थी, तो उन्होंने बल्कि मुझसे पूछते थे कितने सीन लिखे, क्या किया उसको, और मुझे उन्होंने कहा था, मुझे कहते थे कि तुम्हें इस ड्रामे से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और सतमैं नहीं होगा। और उसके बाद मुझे अवार्ड मिला बेस्ट राइटर का, जब तो मुझे उनकी ये बात जो थी बड़ी याद आई। लेकिन वो बहुत बड़े मेरे फ़ैन थे मेरी राइटिंग के, हालांकि उनकी माशाल्लाह हम उनकी 5 बहुएं थी, मैं सबसे बड़ी थी। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ मज़े की, कि वो मेरी राइटिंग का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे कि वो अपनी बेटियों को कहा करते थे कि तुम लोग आती हो तो मेरी बहू का काम डिस्टर्ब हो जाता है, उसका राइटिंग का काम नहीं। दैट्स सो नाइस, माशाल्लाह से आप बहुत लकी हैं। मैं बहुत लकी हूँ, इतना अच्छा ससुराल मिला, इतने अच्छे ससुराल। मेरी माशाल्लाह नंदे जो हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, देवर मेरे बड़ा वो करते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। मतलब आपका वो वाला हाल नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको तो हाथों हाथ लिया जाता है मुझे लगा है। इस तरह से नहीं है, बहुत प्यार करने वाले, बड़े कदर करने वाले जो लोग हैं, इसलिए तो इतना लिख रही हूँ ना, लिख रही हूँ। अभी भी आपको मैंने जैसे बताया है कि मेरे घर में थोड़ा सा वो चल रहा है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बीमार है, लेकिन हस्बैंड को पता था कि एक कमिटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाके देख के आओ ना इंटरव्यू। तो आप पढ़ाती भी हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करती हैं? इज़न्ट राइटिंग इनफ, क्या पढ़ाती भी हैं? एक्चुअली जो राइटिंग जो है ना वो हर वक्त नहीं होती ना राबिया। और दूसरा, मैं साल में एक या दो सीरियल्स करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगी अपनी चीज़ों से। मैं क्योंकि राइटर जब ज़्यादा लिखता है तो वो फिर रिपीट करने लगता है अपने आप को, रेपिटेशन आना शुरू हो जाती है उसके आइडियाज़ में, उसकी चीज़ों में, उस चीज़ से मुझे खौफ आता है। तो जो मेरा प्रोफेशन है लेक्चरशिप, तो वो तो मुझे बहुत पसंद है। एक मैं एनर्जी मिलती है बड़ी पॉजिटिव स्टूडेंट्स के साथ,
कभी अपने स्टूडेंट की किसी स्टूडेंट पे कोई कहानी बनाई है, कोई कैरेक्टर स्टूडेंट ने से उठाया है? मैं कैरेक्टर्स अभी मैंने एक वेब सीरीज डिज़ाइन की है यंगस्टर्स के लिए ना, तो वो सारे उन्हीं के ऊपर ही है, क्योंकि आजकल मैं बॉयज़ कॉलेज में होती हूँ तो आपको पता है कि बॉयज़ की एनर्जी का लेवल ही डिफरेंट होता है। तो कैसे मैनेज करती है? मैं आपने मुझे पता है पहले भी इंटरव्यू में बात की है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो हाउ डू यू, मतलब आप खुद भी इतनी माशाल्लाह से यंग और वो लगती हैं और जाके बड़े बड़े लड़कों को पढ़ा रही होती हैं, वो सीरियसली ले लेते हैं आपको? बिल्कुल, बहुत सीरियस लेते हैं। आपको पता है कि एक एक क्लास में 70-80 स्टूडेंट्स होते हैं। ओह गॉड, इतनी लंबी क्लास होती है वो जो है। और एक मुझे माशाल्लाह 14 ईयर्स हो चुके हैं, इससे ज़्यादा बल्कि टाइम हो चुका होगा। पहले मैं पंजाब की सेटअप में थी, उसके बाद जब मैंने फेडरल कमीशन का एग्ज़ाम पास किया है तो अब लास्ट 13 ईयर्स से जो है वो मैं एफजी के सिस्टम में हूँ। तो मुख्तलिफ सिटीज़ में मेरी पोस्टिंग्स होती हैं, खारियाँ कैंट में रही हूँ, पिंडी कैंट में रही हूँ और अब कराची कैंट में आ गई हूँ। तो नए नए आइडियाज़ मिलते हैं स्टूडेंट्स से, चीज़ें मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इन्जॉय करती हूँ। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी मुझे अपने स्टूडेंट से मिल रहा होता है, कुछ चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन बता देते हैं, मैडम ये नहीं आपने अच्छा किया था या ये कास्ट अच्छी नहीं थी। आजकल क्या फीडबैक दे रहे हैं वो आपको? आजकल चूँकि अभी थोड़ा लॉकडाउन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के जो हैं उसमें आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा मैं इग्नोर कर देती हूँ कि अगर किसी एक का रिप्लाई कर दिया तो फिर उसी के ऊपर ही आपकी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चुपके चुपके को ज़्यादा, क्योंकि वो एक यंगस्टर्स का ड्रामा है ना तो उनको वो देख रहे होते हैं, लेकिन जो मेरा स्टाफ है जो बड़े लोग हैं वो इश्क जलेबी की फैन फॉलोइंग ही डिफरेंट है, वो क्रिटिक को ज़्यादा पसंद आ रहा है जो थोड़ा लोग संजीदा चीज़ें देखना चाहते हैं, उसके उसमें एक इमोशनल टच है तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी। दोनों डिफरेंट टाइप है, दोनों का अपना फ्लेवर है, दे आर वेरी डिफरेंट यू नो इन टर्म्स ऑफ के वो जिस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट है, जो उनकी कहानी है, बिल्कुल ऐसे जो वो भी। एंड यस यू आर राइट कि चुपके चुपके इज मोर यूथ ओरिएंटेड, फन ओरिएंटेड ना, उसमें मजाक भी वैसा है और सब कुछ है कि बच्चे और आप उसको कर सकते हैं। सुनो चंदा, कभी सोचा था आपने कि ये इतना हिट होगा, इतना ज़बरदस्त चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई फैन रिएक्शन शेयर कर सकती है हमारे साथ, जो बिल्कुल पागलपन वाला फैन रिएक्शन हो, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही? कनाडा में एक नाम मुझे इनका भूल गया, सिख हैं। अच्छा, अभी शायद मैं देखूंगी, रणवीर यानी रंजीत टाइप का कोई नाम है, वो चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, 3-4 दोस्त हैं तो वो मिलकर ट्रक चलाते हैं कनाडा में। वो यकीन माने कि सीज़न 1 से लेके सीज़न 2 में उनके बाकायदा मुझे कॉल्स आती थी वहाँ से, कनाडा से उनके मैसेजेस आते थे, और वो वाहिद वो लोग हैं कि जिन्होंने ये मेरे दोनों नए सीरियल्स जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया ना उन्होंने कहा नहीं हमें सुनो चंदा 3 चाहिए, सुनो चंदा सीज़न 3 ही चाहिए। इस तरह के फैंस हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मुझे धमकियां देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीज़न 3 की स्टोरीज बना के भेज रहे हैं। अब बड़े मज़े की स्टोरीज हैं, जिस स्टोरीज के हैं जो जी आर अरसल ने ना वो बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, उनके बच्चे जवान हो गए हैं। हाँ। वो वापस आ गए हैं, पाकिस्तान में आ गए हैं, और ऐसे यानी कि वो उनकी मोहब्बत है ना, मैं उनको इंजॉय करती हूँ उन चीज़ों को। आप नहीं लिख सकती तो हम लिख देते हैं आपको, और आप अपने नाम से आगे करते हैं। हाँ, आप अपने नाम से आगे करते हैं। हमारे पास स्टोरी तैयार है, हमारे पास स्टोरी तैयार है। मैं कहती हूँ जी आर अरसल जो है ना, ये बड़े ब्लेस्ड है ना, इनको बड़ा प्यार मिला है। सही बात है। हाँ, अभी तक देखे लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। उनकी क्रेजी फैन फॉलोइंग। मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं जी आर अरसल को लेके कोई नई स्टोरी जो है उसके अंदर इनको लेके आऊँ, जरा डिफरेंट वे में लेके आऊँ। वो भी पता नहीं फैन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मेरा ख्याल है कर लेंगे, वो उन दोनों को साथ देखना चाहते हैं मुझे यूँ लगता है। लेकिन हमें तो शहाना भी चाहिए होगी ना? नहीं, इंशाल्लाह शहाना भी चाहिए। मैंने तो बल्कि एक सजेशन उनको दी थी कि ना आप लोग इस पे कोई टेलीफिल्म बना लेते हैं ना, कोई मज़े वाली जो है। True. हाँ, वो कर लेते हैं। अभी थोड़ा इकरा जो है वो सेट हो जाए अपनी लाइफ में, तो फिर इंशाल्लाह हम बैठ के सोचेंगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ, कोई नई उम्मीद दिला रही है, फिर सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप सोच लें। देखिए, मैं उनके साथ हूँ, अपने फैंस के साथ हूँ, क्योंकि मैं ये प्रोडक्शन हाउस के हाथ में। अब हम सब सुनो चंदा 3 जाते हैं, आप सुनो चंदा जी भी तैयार है लिखने को, अब या आगे इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप मोमना दुरैद से बात करें, आप दुरैद भाई से बात करें, आप हम टीवी की मैमुना सदीकी से बात करें, आप उनको कन्विंस कर लें, उनको सारे मैसेजेस भेजे, उनको सारी कहानियाँ भेजे, उनके ऊपर धरना
करें, उनको धरना दें, फिर इंशाल्लाह ताला हम कुछ ना कुछ उसमें से जो है ना वो निकाल लेंगे। वो स्टोरी एक मेरे जहन में बन रही है, अगर हो जाता है तो मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी, कैरेक्टर्स बने हुए हैं ना। बिल्कुल, आपने कहानी को आगे लेके चलना। हाँ, कहानी को मैंने आगे लेके चलना है। ये बड़ा मजे का, मुझे पिछले दिनों एक आइडिया आ रहा था कि जिया पढ़ने के लिए गई है, वहाँ लॉकडाउन लग गया, साथ ही वापस आ गई है। जैसे वो गई है उसके फौरन बाद ही तो लग गया था, अब दो साल से यही तो चल रहा है। सही, तो एक नई धमाल स्टार्ट हो सकती है, लग रही है। लेकिन अगले साल तक लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हो, सब कुछ कह रही है तो क्या। आप पोस्ट लॉकडाउन की स्टोरी लिखे आप हमारे लिए, और उसमें हम जी और असल को देखें। शहाना का कैरेक्टर, शहाना तो कोई इंस्पिरेशन है, कोई आसपास था आपके जिसको देख के आपने ये लिखा, और आप क्या पता था कि ये कैरेक्टर इतनी, इसकी ज़िंदगी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी इसकी एक अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी एक सिचुएशन। राबिया, मैं आपको मैंने शायद कभी किसी पब्लिक फोरम पे नहीं बताया कि मेरे कुछ, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, तो मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे मुझे छन्नो कहा करते थे। क्योंकि मैं बहुत शौक, चंचल, लाउड और ज़िंदगी से भरपूर एक लड़की थी, इस तरह की लड़की थी कि जो हर चीज़ में फ़न को ले आती थी। कोई तवक्को ही नहीं कर सकता था कि ये लड़की जो है आगे जाके इस तरह के सीरियल्स लिखेगी। जो आपने सीरियस वाले लिखे, जो सीरियस वाले लिखे, क्योंकि छन्नो का जो कैरेक्टर है ये मैं बहुत दफ़ा अपनी राइटिंग में, डाइजेस्ट राइटिंग में लिख चुकी थी। और थोड़ा सा मेरा वे ऑफ टॉक जो था ना, वो छन्नो जैसा ही था। अभी तो नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा, बड़ी कोशिश के बाद जो है ना, कोशिश के बाद, बड़ी कोशिश के बाद जो है ना, अभी भी जब भी हम आपस में, जब बेतकल्लुफ दोस्त हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा आधा वो पंजाबी और आधा उर्दू चल रहा होता है। तो छन्नो मेरे अंदर थी कहीं पे। ओके, तो इट्स आपके ऊपर ही, आपने वो, लेकिन जब ऐसे, और ये जो सिलेक्शन किया ये एहसन भाई ने किया, एहसन तालिश साहब ने, नादी अफगन को जब वो लेके आए तो मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने शाश्ली शायद की है। मैं नादिया को बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, तो मैंने उनके क्लिप्स निकाल के देखे। उसके बाद भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि, मैं कह रही थी कि एहसन भाई जब आप शूट स्टार्ट कर दें तो मुझे दिखाइएगा कि कैरेक्टर्स कैसे बन रहे हैं। तो आपके दिमाग में शुरू में कौन था शहाना के लिए? पहले थी बुशरा अंसारी, लेकिन बुशरा बड़ी हो रही थी ना उसमें, उम्र में थोड़ा बड़ी लग रही थी। फिर थोड़ा सा उनके पास टाइम भी नहीं है, तो रमजान सीरियल थोड़ा वो अवॉइड करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है रमजान सीरियल तो करने का। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर था ही नादिया के लिए, इनके लिए, इनके सही लिए बात था है, और जब इसको लिखना स्टार्ट किया तो जब ये नमा कट्टा खुल गया और ये चीज़ें जो थी ना ये मेरे अंदर थी, मौजूद थी, ये जो जुमले जो थे, तो वो थोड़ा स्टार्ट में मुझे वो हो रहा था। सायरा मुझे कहती थी, जो मेरी कॉन्टेंट हेड है, वो कहती थी कि हाय सायमा, लोग ना कराची की जो ऑडियंस है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या होता है नवा कट्टा खुल गया, ये जो तुम उसके अंदर लिखती हो पसूड़ी मच गई, ये क्या होता है, ये जो तुम लिखती हो जो है उसके अंदर खसमानो खाओ, ये चलो वो तो समझ में आ जाता है ना एक थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ें, वो जुमले जो है ना, उनके लिए थोड़ा उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल था। फिर मेरी जो गुड़लक थी वो ये हुआ कि थोड़ा शहजाद जावेद इन्वॉल्व हो गए, उनका बैकग्राउंड जो था वो वहाँ से था, पंजाब से था। फिर वो जो हम दोनों मिलके जब करते थे, आप लोगों ने कहा साइड पे आ जाओ, ये तुम लोग कराची वराची वाले चुप रहो, हमें पब्लिक को एक अच्छी चीज देनी है। तो वो और उस सीरियल के ऊपर आप यकीन माने राबिया, मेरे इतने झगड़े हुए हैं। अच्छा? इतने झगड़े हुए हैं क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ जाती थी, मेरे ऊपर ये होता था कि सुबह शूट के लिए सीन्स भेजने हैं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता था। एक दफ़ा तो मैं आपको बड़ा मज़े का वाकया बताती हूँ कि मैंने शहजाद जावेद, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप किसी एक हमारी सिचुएशन के ऊपर हमारा झगड़ा स्टार्ट हो गया ना। अच्छा, शहजाद को लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे लगा है ऐसे राइटर ये कौन होते हैं मुझे डिक्टेट करने वाले ना, क्यों करना चाहिए, मैं सुरचंदा लिख रही हूँ। हाँ, और सीज़न टू में तो वैसे ही कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और हो गया था ना, लगता था कि कोई तीर मार दिया आपने, पता नहीं क्या कर दिया ना। उस शहजाद को थोड़ा गुस्सा, उसने कहा उठाएं अपना लैपटॉप जाएं, लिखना लिखें, नहीं लिखना ना लिखें, वो इतना इरिटेट हो गया ना मेरी बहस करने से कि ये क्यों उस चीज़ पे पॉइंट पे नहीं आ रही। पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा कि किस चीज़ पे हमारी ये हुई थी, बहस हुई थी। बहरहाल मैंने अपना लैपटॉप उठाया, ज़ोर से बंद किया, उसको डाला उसके अंदर, अपनी जो थी वो ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठी, अपनी फ्रेंड मिसबा नौशीन को फ़ोन किया, मैंने मैसेज किया उसको कि मैं ना वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकती कि मैं वो डाल आई हूँ उसके ऊपर ना, सीरियस के ऊपर ना, मुझे नहीं लिखना, मैं नहीं लिखने, ये मुझे क्या कहते हैं, वो थोड़ी मिसबा बेचारी, मिसबा नौशीन मेरी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसने ना
फ़ौरन भाई को कॉल मिलाई, भाई क्या हो गया, वो कहते क्या होना क्या है उनको, वो आज वो समझ ही नहीं आ रही। हाँ। मुझे कन्विंस कर लेना वो अपने पॉइंट पे। हाँ। तो ठीक है। हाँ। या खुद मान जाए वो कर ले। मैं बहर डिसाइड कर लिया मुझे नहीं लिखना। मैं घर आके सुकून से जो आके वो बैठी, फिर थोड़ा मेरा दिमाग जो था वो जरा चलना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा मुझे क्या कह रहा था। आप मुझे लगे जिया जिया भी कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है। वो सारी चीज़ें मीनू जिया सब कुछ ही वो। फिर मुझे लगा कि नहीं ही इज़ राइट, मुझे जो है ना वो सही वो कह रहे हैं। फिर खैर जो है ना अगला दिन मेरा ख्याल है मिसबा ने मुझे समझा के दोबारा भेजा, हम टीवी के ऑफिस जाओ जाओ सुकून से करें, ऐसे ना करें, अब क्या आप लोगों को तमाशा दिखाएंगी, वो लोग क्या कहेंगे ये वो अगले। और उस उनको भी समझाया कॉल करके कि वो आ रही हैं, अब ये जो है ना कपत्ती औरतों की तरह पुराने वाला ना खुल के बैठ जाइएगा, एक नया कट्टा खुल जाएगा फिर, क्योंकि ना मैं हार मानने के लिए तैयार होती थी ना वो तैयार होते थे। फिर खैर मैं नेक्स्ट डे गई हूँ तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि ठीक है मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी अपिया, जो आपको अच्छा लगता है कर ले। लेकिन उस वक्त मैं कन्विंस हो चुकी थी, तो ये उनका बड़ा एक अच्छा वो था कि वो कहते थे कि या तो खुद हो जाओ या फिर जो है मेरी बात मान लो। तो फिर हो गया। अच्छा बताएं पहले। हाँ। इस तरह से जो ना बहुत चीज़ें हुई हैं सुनो चंदा सीजन टू के दरमियान में। ओके। क्योंकि एक प्रेशर का उस वक्त ज़्यादा प्रेशर आ गया था ना, वो मेंटेन भी करना था, मेंटेन भी करना था। सीजन वन में इतना नहीं था, सीजन वन में ये था कि हमने बस कम्प्लीट करना है इसको और वापस इस्लामाबाद जाना है। तो सीजन टू में तो खैर मेरा ख्याल में शिफ्ट हो गई थी शायद कराची में, नहीं इस्लामाबाद में ही थी, तो तब मेरे जो है वहीं से। मैं सुने फरहान थोड़ा सा हो जाते थे कि अरसल की कैरेक्टर को इतना नेगेटिव क्यों बना रही हैं आप। हाँ फरहान थोड़ा सा इसलिए वो हो जाते थे, टची हो जाते थे कि उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे तो इतने वो है ना क्रेजी वो सीरियस हो जाते थे। एक बात की समझ नहीं आती राबिया कि जिया ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना है स्टडीज के लिए, अरसल मान गया, ठीक है स्टोरी ख़त्म ख़त्म, अब आगे मैं क्या करूँगी। Exactly, सही कह रही हैं। तो वो फिर मैं फरहान खुद मुझे पर्सनली कॉल्स करते थे ना, सायमा जी फैंस मुझे बहुत वो कह रहे हैं, मैं कहती थी भाई आप फरहान जो है आप फरहान से निकल आए, आप अर्सल हैं, आप अर्सल हैं, आपने जो है तो आप उन्हें कन्विंस करती थी फिर समझाती करती थी। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे वो हैं, सेंसिबल हैं। आई थिंक वो भी बस अपना ना डिस्कशन करना चाह रहे हो कि यार ये नहीं कि चेंज करें, बट ये कि फैंस की वजह से वो भी थोड़ा सा होता है। आप देख लें कि उनको कितना प्रेशर आता होगा कि आप जिया को भेज नहीं रहे, आप बहुत जालिम हैं, आप ये आपने इतने दावे किए थे, आपने इस तरह की बातें इस तरह की चीज़ें अहसन भाई को लोग मैसेजेस करते थे, मुझे इतना कर रहे होते थे। मुझे दो तीन खवातीन ने बड़े सख्त किस्म के मैसेजेस भिजवाए कि आप ये क्या दिखा रही हैं कि लड़कियों को आप क्यों इसके अंदर लोग इतना रजिस्ट क्यों कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के अगेंस्ट, उसकी पढ़ाई के लिए जिसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो थी वो आप क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना फिर वो स्टोरी से निकल आते हैं, फिर उनके लिए ज़िंदगी और मौत और वो सारी चीज़ों को दूसरे तरीके से देख रहे होते हैं जो एक राइटर देख रहा होता है उस लिहाज से नहीं देखते। बट आपने अरसल जिया को इतना मतलब हर वक्त वो लड़ाई क्यों करते हुए दिखाया था, उसके पीछे क्या थी? उस दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे से हर वक्त बदतमीजी और वो उस पर भी बहुत से लोगों को एतराज़ था कि जिया इतना क्यों बोलती है, इतना क्यों चीखती चलाती है। तो ये जो एक उनकी रिलेशनशिप की ये एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो दोनों हर वक्त एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते थे, वो उसके पीछे कोई थ्योरी थी या बस ये लिखते लिखते कैरेक्टर डेवलप हो गया? और नहीं रबिया ये वो थ्योरी बस ये थी कि एक कज़न्स जो हैं ये दोनों जिनकी 19-20 साल नहीं बनी, वो 19-20 दिन में एक ही पेज पे कैसे आ सकते हैं ना, एक ही पेज पे किस तरह से वो कर सकते हैं दोनों आ सकते हैं। और दूसरा ये था कि जब उनकी आपस में सुलह हो जाती थी वहाँ कहानी रुक जाती थी, करने के लिए कुछ मार्जिन बचता नहीं था ना स्टोरी जो थी उसको, और थोड़ा सा इकरा जो है वो लाउड हो जाती थी, खुद से लाउड हो जाती थी। okay. वो थोड़ा उनके अंदर ज़्यादा है ना एक एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, तो एहसन भाई भी थोड़ा उसको कूल डाउन करते थे। मैं भी फ़ोन करके कहती थी एहसन भाई थोड़ा कम रखें ना थोड़ा कुछ एक्टिंग में वो थोड़ा हो जाती थी ना, बंदा इमोशनल हो जाता है, तो इतना वो था नहीं जितना वो सारा एंड में हो गया। हाँ जो इतना एक्चुअली वो ये भी होता है दूसरे कैरेक्टर्स भी जब सामने सारे हो जाते हैं तो कोई चीज़ आपने इतनी रखी हो तो वो जब पूरा सीन होता है तो इतना हो जाता है, वो इतना हो जाता है। ओके, समीना अहमद का कैरेक्टर था बीजान वो बहुत ही खूबसूरत और आई लव्ड हर ड्रेसिंग, कितनी अच्छी उन्होंने की थी। बीजान का क्यों नहीं कुछ दिखाया? हम तो बहुत देर तक वेट करते रहे कि शायद बीजान का भी कुछ हो जाए।
ये सोचा था आपने, दिमाग में था? हमने एक पोस्ट भी निकाली थी जिसपे कुछ लोग बड़े खुश भी थे और कुछ लोगों ने कहा लाहौल वाला कुव्वत आप कैसी बात कर रही हैं, वो देख लेना क्या क्या इसमें लाहौल वाला कुव्वत की क्या बात है, ये लाहौल वाला कुव्वत की वजह से मैंने कुछ नहीं किया, मतलब दिमाग में था आपके? दिमाग में था सीजन 3 में, तो फिर अगर आपने किया तो ये जरूर करा दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। और इनकी जो है समीना साहिबा की अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखें तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा वो स्टेप लिया है, और हाँ करना चाहिए इस तरह से। मैं तो करने को तैयार थी लेकिन मुझे लगता था कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग जो क्योंकि था तो सही उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन तो साफ नजर आ रही थी, नजर आ रही थी। हाँ तो एक पीछे उनकी वो बैकग्राउंड स्टोरी भी तो थी ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कभी सीजन 3 हुआ तो शायद शायद कभी, लेकिन मुझे लगता है कि मिशी के कैरेक्टर को आपने इतना अच्छा वो कर दिया तो मतलब आप ये स्टेप ले सकती है मेरा ख्याल है। हाँ मे बी अब एक आपने एक आपने कर लिया। अब मेरे बस लास्ट दो आपके आपसे सवाल, एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मेरा नहीं एक्चुअली बहुत से ऑडियंसेस ने पूछा है कि आपके तीनों ड्रामों में कजन्स इन्वॉल्व हैं, तो ये कजन्स के गिर्द क्यों आपकी स्टोरी होती है, इसकी कोई खास वजह है, आप अपनी फैमिली के उससे करती हैं या कोई दिमाग में कोई चीज़ है, या बस ये हो गई है और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये तो बहुत कज़न ओरिएंटेड हो गए हैं? एक्चुअली राबिया इसकी दो वजूहत हैं, नंबर एक, एक तो मैं जो फैमिली ड्रामा दिखाना चाहती हूँ उसमें तो डेफिनेटली आपको फिर कजन्स और वो सारी चीज़ें आप बाहर का इन्फ्लुएंस इतना नहीं दिखाना चाहती हूँ लड़के लड़कियों पे। और सेकंड जो हमारे ऊपर जो सबसे जो मेन जो है प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है ना वो चाहता है कि हमारे हीरो हीरोइन जो है ना वो यतीम खानों से लाए जाएँ, मतलब ये कि वो चाहते हैं कि कास्ट बहुत कम हो। ओके और जब हम अपनी एक घर से निकलते हैं स्टोरी को जब हम बाहर लेके जाते हैं तो लोकेशंस ज़्यादा बनती हैं, लोकेशंस ज़्यादा बनती हैं, कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो उन तमाम चीज़ों को करने के चक्कर में जो है ना वो फिर हम ड्रामे को एक ही घर में ले आते हैं। ओके फिर वो हमारी कोशिश ये होती है कि जिस के किसी की अगर मदर नहीं है उसके बगैर काम चल सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, जैसे बेला के पेरेंट्स के बगैर भी स्टोरी चल सकती थी, जिस तरह से फाजी में चुपके चुपके के जो थी उनकी, अगर मैंने वो दिखा दी थी दादी जो थी तो उनके पेरेंट्स के बगैर स्टोरी चल सकती थी, अगर पेरेंट्स भी आ जाते तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो जाते। तो जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कज़न्स जो हैं चूँकि एक फैमिली ड्रामा होता है तो इसलिए उनको मैं कर देती हूँ, लेकिन ये कज़न्स अलग-अलग भी हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर ये हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, लोकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, घर आपको ज़्यादा लेने पड़ते हैं और थोड़ा सिचुएशंस जो होती हैं हमें वो बनाने में प्रॉब्लम होता है कि आप कहाँ इंटरेक्शन हुआ, कहाँ टकराव हुआ, तो वो हमेशा आप रोड्स के ऊपर इतने इत्तफाकात नहीं दिखा सकते। तो स्टोरी लिखते वक्त हम राइटर्स जो होते हैं वो बहुत सारी एक अनदेखी जंजीरें जो होती हैं ना उनमें जकड़े हुए होते हैं, हमको उन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था ऑनेस्टली। मैंने सुना है संताली साहब आपको तस्वीरें लेके भेजा करते थे बहुत से उसकी जगह की कि भाई आप ये देखें कि कहाँ कहाँ अरसल जिया का इंटरेक्शन हो सकता है, कहानी लिख रही है, जब सुनो चंदा वन में आप लिख रही थी ऐसे संतालीस भाई मुझे वीडियोस बना के भेजते थे, फिर इन्होंने एक दफ़ा मुझे शूट पे बुलाया, पूरी लोकेशन दिखाई उसकी कि आप देख लें कि आपको क्या लगता है, फिर ये हो जाता है ना कि राइटर सॉरी डायरेक्टर जो हैं उनके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है ना कि जो अगर मैंने स्टेयर्स पे लिखा है कोई सीन तो वहीं पे जाके उसको कर लेंगे, लाउंज में कर दें तो उसको कर दें। मुझे बड़ी फैसिनेट की थी ये बात, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वाओ इतना इतनी डिटेल में भी वो गए उन्होंने। नहीं तो ये टीम एफर्ट राबिया ये दानिश ने भी ऐसे किया है, ये वजाहत ने भी ऐसे ही किया है, मेरे तीनों डायरेक्टर माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अपनी राइटर को जब शूट स्टार्ट होने से पहले पूरा घर दिखाया, वजाहत मुझे इश्क जलेबी वाला जो घर है उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि आप अब जब वो सीन क्रिएट करेंगे। तो लिख चुकी थी तब तक सीन, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा चेंज किया? नहीं नहीं इश्क जलेबी में तो इस तरह से नहीं हुआ। ओके इश्क जलेबी में आप लिख रही थी? हाँ अभी लिख रही थी, स्टार्ट ही था तो उसके बाद जो है लोकेशन पे आप चले गए, और इसी तरीके से दानिश मुझे लेके गए थे इस घर में जहाँ पे चुपके चुपके शूट हो रहा है, पूरा घर दिखाया था। तो मेरे जहन में होता था कि ये दोनों अगर कजन्स आएंगे तो ये लॉन में मिलेंगे, टेरेस पे एक बंदा खड़ा होगा, लेकिन ये चीट किया है इन लोगों ने ना, ये जो घर दो दिखाए हैं ना ये दो घर नहीं है, एक घर है ये, ये एक घर है, जो दूसरा घर है वो किसी और इलाके में है। ओके अच्छा वो जो एक दरमियानी रास्ता दिखाते हैं ना उसी घर का ऊपर वाला पोर्शन है। ओके तो ये इन्होंने थोड़ा सा किया है इसमें कि लेकिन बड़े मजे से किया है, दानिश ने कहीं पे फील नहीं होने दिया कि दोनों घर डिफरेंट हैं। तो एहसन भाई ने ये काम जो था स्टार्ट किया था मेरे साथ सबसे पहले,
तो वो लेकिन सुनो चंदा वाला घर बहुत मजे का था, वहाँ पे ज्यादा मिलती थी आपको जगह, वो तो हमने देखा हुआ है तो हमें थोड़ा बहुत उसका अंदाजा है, बाकी दो घर तो हमने देखा। और आई थिंक ये मोस्टली डायरेक्टर्स को करना चाहिए क्योंकि राइटर्स जो है जो वो लिख रहा होता है स्टोरी तो वो थोड़ा आ जाता है। आजकल तो राइटर्स लिख रहे होते हैं जैसे जैसे स्टोरी शूट हो रही है लिख रहे हैं, अब ये भी नहीं कि पहले पूरा आपने लिख के दे दिया। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मेरा कभी भी कोई सीरियल अगर कोई पूरा मैंने लिख के दे दिया है ना, जैसे जब्त साल हो गया वो अभी तक शूट नहीं हो सका, जो चीज़ें मेरी साथ साथ लिख रही होती हूँ शूट हो रही होती हूँ साथ साथ होने रह जाती हूँ, वो मेरे लिए मेरे हक में अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, तो ये कॉमेडी हमेशा जो होता है हम देखते हैं कि वो एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं इन दोनों आपके ड्रामों में भी, स्पेशली सुनो चंदा में तो बहुत ज़्यादा, इधर मीनू का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, मिस्कीन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड। आपको लगता है कॉमेडी एग्जैजरेशन के बगैर नहीं लिखी जा सकती? नहीं, खैर लिखी तो जा सकती है लेकिन उसमें शायद वो वाला मज़ा ना नहीं हो। ओके, थोड़ा सा हमें वो करना पड़ता है अपनी वो बाउंड्रीज जो होती हैं उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन इतना हो कि एक्सेप्टेबल हो, वो ना लगे, वो ना लगे। आप यू मेक श्योर ऑफ दैट? हाँ, मैं ये चीज़ों को थोड़ा करती हूँ अपने दिन में। आपके जो भी रिसेंट सीरियल है चुपके चुपके, उस पर घर दबाव तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रही है, ट्विटर पर भी एक दो जगह मैंने कॉन्वर्सेशन देखी हैं, आपने इसका पहले भी जवाब दिया, आपने कहा था कि हम लोग ड्रामे को मजाक को उस तरह नहीं लेते, बस सीरियसली ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो एक कैरेक्टर भी इस तरह का है कि देखें वो काम करना नहीं चाहता मस्कीन, और वो खुद जो है अब ये जब इसको रिलाइज होगा हो गया हो चुका है बल्कि सीरियल के एंड तक, वो खुद डिसाइड करता है कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए, साथ के बाद मैं जाके वहाँ पे काम करूँगा। तो ये चीज़ें देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं ना, बहुत सारे घर दामाद मैंने इस तरह के देखे हैं कि जिन्होंने पूरा पूरा घर संभाला हुआ है। बिल्कुल, और ये देखिए हर जगह पे बास फैमिली इस तरह की हैं जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है, तो ये तो बहुत आई थिंक बड़ी अच्छी बात है, अगर रिक्वायरमेंट है तो क्यों नहीं। बट मेरा कंसर्न सिर्फ ऐसा है, जैसे हम राइटर्स को बोलते हैं जब सीरियस स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं कि आप औरतों को एक सर्टन तरीके से प्रोजेक्ट मत करें, आप इतना मारना मत दिखाएं, थप्पड़ नहीं दिखाएं, भेजा यू नो हम, तो इसमें भी मुझे सिर्फ दिमाग में ये बात आ रही थी और ऑडियंसेस में भी कहीं कहीं मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जब हम एक जगह आई अंडरस्टैंड कि हम उसको दिखाते हैं क्योंकि इसी की बेसिस पे हम उसको उससे फन कर रहे हैं, उसी से तो मजा आ रहा है ना कि मिस्कीन की बातें सुन के हम हंसते हैं, चाहे हम जितना भी बोल रहे हैं। ये भी रियलिटी है कि हम मिस्कीन जब वो कहता है सरकार, जैसे वो उसको काम डाउन करते हैं, सरकार सुन लेना सरकार, हम उस पर हंस भी रहे होते हैं। इसी तरह गुलापा पे हम वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नंदो की स्टीरियोटाइपिंग हुई भी है उस पर हम हंस भी रहे हैं कि गुलापा तो अब आके ये कर देंगी, देखा नंद है ना, तो कहीं हम हंस भी रहे हैं लेकिन एट द सेम, क्योंकि वो उसको ज़रूरी है मजाक करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वही चीज़ें हमारे दिमागों में उन स्टीरियोटाइप्स को स्ट्रॉन्ग भी कर रही हैं। आपको लगता है, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रही, तमाम जितने भी लोग कॉमेडी लिख रहे हैं जिनमें स्टैंड अप कॉमेडियंस भी शामिल हैं, आगे जाके क्या हम इन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, या आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि फिर इन्हीं मजाक से अगर कोई घर दामाद भी बन रहा हो तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, अरे तू तो घर दामाद है, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस चीज़ ने ऐड किया होता है ना, मिस्कीन के कैरेक्टर ने, गुलापा ने कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को। नहीं नहीं, मैं नहीं तो राबिया, वैसे मैं अपनी पर्सनली बात करती हूँ, बींग अ राइटर मुझे लगता है कि मुझे दोबारा इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लेकिन मैंने जहाँ पे ये दिखाया है कि एक बड़ी गुलापा जो बड़ी डोमिनेटिंग उनकी पर्सनालिटी है, वहीं पे एक उनके घर में एक दूसरी बहन है कि जो अपने नीचे रूमी को चली जाए, वो कितना अपने हस्बैंड का घर रही है, हालांकि हस्बैंड जो है उसका थोड़ा सा मानी थोड़ा लाउड हो गए हैं, थोड़ा वो मैंने दिखाया था कि वो अपोजिट है मस्कीन से, वो जो कैरेक्टर था वो मस्कीन जैसा नहीं था, ये जो मानी का कैरेक्टर है, मानी थोड़ा सा वो हो गए, थोड़ा इनमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा है ना, तो वो मैंने उसे डिफरेंट दिखाया था। तो वो रूमी जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने हस्बैंड की, आपने देखा कि उसके आगे पीछे फिर रही है, उसके खाने का अनार का जूस बना के ला रही है, उसको सत्तू पीना है वगैरह, मैं अनार का जूस ला के दूंगी। तो आप देखें ना कि दोनों बहनें हैं एक ही घर में है, अगर ऐसा होता तो फिर रूमी भी ऐसी ही होती गुलापा की तरह, तो एक ही घर में जब इतने बहन भाई होते हैं तो सबका मिजाज डिफरेंट होता है ना। बिल्कुल, तो थोड़ा सा मैं अपने जो ऑडियंस है उनको भी कहूँगी कि आप किरदारों को ना ड्रामों को ड्रामों तक ही रखा करें, उनको थोड़ा दिया करें, स्पेस दिया करें, कि आपको खुद पता होना चाहिए अगर आपको मस्कीन अच्छा नहीं लग रहा तो आपको मस्कीन नहीं बनना, ठीक है। बस वो जब हम मजाक उड़ाने लगते हैं ना, जब कॉन्वर्सेशन में एक्चुअल में जब हम यू नो, तो वो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि मे बी आगे जाके हम थोड़ा सा सब नहीं नहीं, मुझे लगता है एज ए राइटर मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को नहीं रिपीट करना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ। बस थैंक यू सो मच, आपसे इतनी और बातें, लेकिन इतना ऑलरेडी मैंने आपका टाइम ले लिया और आप मुझे पता है कि आपने जाना है, बट बहुत मज़ा आया, बड़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिली आपसे,
और बड़ी चीज़ें भी पता चली जिनके बारे में हमें पता नहीं था, और ये भी रियलाइज़ हुआ कि भाई जो चीज़ पे हम हंस रहे होते हैं, हम किसी को इतना लाइट लेते हैं कि यार अच्छा हम रमज़ान का कॉमेडी सीरियल, बट उसके पीछे कितना कुछ इन्वॉल्व होता है, कितनी थिंकिंग होती है, और बहुत दफ़ा हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं एज ऑडियंस एंड एज रिव्यूअर्स. एंड आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ इवन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज अगर कभी भी हमने अनड्यू प्रेशर डाला या कुछ ऐसा बोला जो आपकी आपको लगा कि यार या सारी टीम में जो भी लोग थे कि यार हम इतना करते हैं उसके बावजूद इतनी सी छोटी सी चीज़ पे लेके बैठ गए. नहीं मैं बताऊँ, इतना प्यार मिलता है राबिया का, जब कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है ना तो मैं इग्नोर कर देती हूँ उन चीज़ों को ना, वो हमें कर देना चाहिए. आप सारे लोग एक जैसा नहीं सोच रहे होते ना, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होते हैं, तो हमें इस चीज़ का मार्जिन देना चाहिए लोगों को. और कभी कभी ऐसा होता है एज अ व्यूअर एज अ रिव्यूअर मुझे लगता है कि हम क्रिटिसाइज इसलिए नहीं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म. अगर हमें एक चीज़ बहुत खूबसूरत अच्छी लग रही होती है ना तो हम कहते हैं यार इस पर एक फूल और लगा दो तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, तो हम उसको कर रहे होते हैं कि ये हमें पसंद है तो इसको और भी अच्छा कर दें. नहीं मैं तो ज़रूर सुनती हूँ, कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा होता है तो मैं उन चीज़ों को देखती हूँ कि ये अगर किसी ने किया है पॉइंट और इसको किया है इस चीज़ को तो मुझे इसको देखना चाहिए, अगर वो ठीक कर रहा है तो मुझे नेक्स्ट टाइम इसको नहीं रिपीट करना चाहिए. जैसे घर दामाद वाली आपने बात की है तो ये मैं बहुत पहले सोच चुकी थी, बल्कि मेरा एक सीरियल आ रहा है उसमें बहुत अच्छा घर दामादा दिखा रही हूँ जिसमें पूरा घर जो है उसको संभाला हुआ है और वो बड़ा इमोशनल सा एक ड्रामा है हमारा, तो एक बिल्कुल डिफरेंट. आप जितने घर दामाद होंगे ना उन सबके गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे. चलें ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. और वो इंडिया की वेब सीरीज आपने कंप्लीट कर ली? हाँ बोल दिया या नहीं बोला अभी तक आपने? हाँ मैंने बोल दिया है उनको. बोल दिया आपने? हाँ बोल दिया है. उन जूम के ऊपर उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं और बड़ी हैरानगी की बात है कि उन्होंने उन्हें जब ये पता चला कि सुनो चंदा और चुपके चुपके एक राइटर ने लिखा है, उनके लिए ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ थी. अच्छा इसका स्क्रीन प्ले भी आपने अकेले लिखा है, इसका डायलॉग भी आपने लिखे हैं, उनके यहाँ तो एक पूरी टीम होती है ना, तो वो उनके लिए बहुत हैरान कन बात थी. और वो मुझे ये कह रहे थे, मैंने कहा हमारे यहाँ यहाँ वन मैन शो होता है, ये तो हमारे डायरेक्टर्स अच्छे हैं कि उसके अंदर चीज़ों को ऐड कर देते हैं, कि हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट है जो चलो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर देता है चीज़ों को डिस्कस करके हम चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता सारा का सारा हमारे एक राइटर के ऊपर, तो वहाँ पे चीज़ें इस तरह से नहीं होती. तो आर यू रेडी कि ये चीज़ जो आपकी नहीं होगा कि टीम आएगी आपके साथ आपके? नहीं नहीं मैं कंटेंट को डाइसेक्ट नहीं, मैं अपने अपनी शरायत पे अपनी चीज़ों के साथ वो करूँगी. पर मैंने सुना उनकी स्क्रिप्ट की तो फीडबैक देते हैं वो लोग, विच इज़ गुड ऑल्सो, आई थिंक इट ओनली इम्प्रूव्स. हाँ थोड़ा सा मुझे ये था कि मुझे रोमन का थोड़ा इशू हो रहा था कि मैं, उन्होंने मुझे ये भी दिया है कि ऑप्शन कि आप उर्दू में लिखिए हम इसको ट्रांसलेट करवा लेंगे अपनी इसमें, वो शायद फिर वो बात हो नहीं सके. हाँ वो चीज़ ना बीच में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. हाँ वो ना हो जाए तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक होगा? अभी मेरे पास इतना टाइम है राबिया के, मुझे भी हम टीवी का एक सीरियल पूरा करना है, मुझे भी एक जियो का कंप्लीट करना है, एक फिल्म है मेरी और जो मैं दानिश भाई इकट्ठे कर रहे हैं माशाल्लाह, तो वो उसको करना है चीज़ें. ये होगा जो इनकी वेब सीरीज़ है जो 10 एपिसोड्स वाली, वो तो मैं जल्दी लिख दूँगी ना, वो मेरे लिए इतना मसला नहीं है. जो सीरियल है उसको थोड़ा मैं टाइम लूँगी उनसे, क्योंकि उनको भी लाइट मूड की चीज़ चाहिए, फैमिली ड्रामा चाहिए. नहीं हम भी एक्साइटेड हैं कि आपका काम हम एज वेब सीरीज़ में देखें ताकि हम भी उसको शेयर कर सकें और उससे हम भी मज़ा उठा सकें. बट थैंक यू सो मच साइमा जी, थैंक यू, लवली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू. सोना चंदा के टाइम पे हम नहीं मिल सके, आप बहुत बिजी थी आई रिमेम्बर, लेकिन चलिए अब फाइनली मुलाकात हो गई आपसे और गपशप. इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरियल आएगा फिर करेंगे इस पे बात. बिल्कुल बिल्कुल, और तब तो हम एक सीरियल करेंगे तो हम और भी ज़्यादा मजे से. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, आपको भी विश यू ऑल द बेस्ट, आपको अल्लाह आसानी करे, कामयाबी दे तमाम जो आप सीरियल्स का आपने लिस्ट बनाई है उसमें. बहुत शुक्रिया राबिया, खुश रहें, आसानियाँ बांटें, अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ देगा, बस यही मैसेज है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक थोड़ी सी लंबी ब्रेक के बाद.